दोस्तों आज हम लोग EBCL का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है कंपटीशन एक्ट वो स्टार्ट कर रहे हैं. द कंपटीशन एक्ट 2002. हम आपको बता दें EBCL 21 चैप्टर्स 100 मार्क्स. जी अकेला 25 नंबर का इंस्टीट्यूट ने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे बेवकूफों की तरह किया है जिसका कोई कुछ इलाज नहीं है. बट अपने को तो स्मार्ट रहना है. वी हैव टू बी वेरी स्मार्ट. 21 चैप्टर्स आर देयर 100 नंबर का. मतलब ऑन एन एवरेज एक चैप्टर 5 नंबर बैठता है. ये अकेला 25 नंबर है. मतलब इसको अगर अच्छे से कर लिया तुम्हारा 1/4 सिलेबस खत्म. ये जो 25 मार्क्स का क्वेश्चन है ये कंपलसरी में आता है. कोई चॉइस में नहीं आता. पेपर का क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 फिक्स है. क्वेश्चन नंबर 3 15 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 4 10 मार्क्स का. ये फिक्स है. इसीलिए इसका अपने को ऐसे थूक लगा लगा करके पढ़ना है. पहले हम अपना मैट खत्म करवाएंगे, उसके बाद आपको वर्कबुक से भी क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे. पहले हम अपना मैट खत्म करवाएंगे, फिर इंस्टीट्यूट का मैट का 30 पन्ना है. खाली 30-35 पेजेस है बेटा. 30 से 40 पन्ना है. तो मेरा मैट जब खत्म हो जाएगा ऑलमोस्ट 80% खत्म हो ही जाएगा, उसके बाद इंस्टीट्यूट का मैट का भी जो 30-40 पन्ना है ना वो भी सल्ट आएंगे और फिर अंदर वर्कबुक भी सल्ट आएंगे. नॉर्मली हम वर्कबुक होमवर्क देते हैं. वर्कबुक खुद से करने का है रे बाबा, पिछला टाइम तक तो मिलता भी नहीं था. बट इस मैट में, इस चैप्टर में अपने कुछ नहीं छोड़ सकते, कुछ भी नहीं. मतलब सारा पढ़ाई एक तरफ और कंपटीशन एक्ट का पढ़ाई एक तरफ. भाई 25 मार्क्स का फिक्स है सर. एक दो टर्म में नहीं आया ऐसा भी तो हो सकता है. ऐसा इंपॉसिबल है क्योंकि इंस्टीट्यूट का ब्रेकअप जो है मार्क्स का, उसमें कंपटीशन लोग को अलग से ग्रुप रखा गया है. चैप्टर नहीं रखा गया है, ग्रुप रखा गया है. और वो अलग से ग्रुप 25 नंबर का है जिसमें केवल एक चैप्टर है कंपटीशन लॉ. और जैसे फिक्स है क्वेश्चन नंबर 3 आना, क्वेश्चन नंबर 4 आना. और इसमें कोई चॉइस नहीं रहता. क्वेश्चन नंबर 2 में चॉइस रहता है 2 या 2A. 3 और 4 में कोई चॉइस नहीं है. 15 नंबर 10 नंबर करना ही पड़ेगा 25 नंबर का. तो इसका इंपॉर्टेंस कितना है ये मेरे इंटेंशन से साफ पता चल गया होगा. और ये मतलब तुमको एकदम लर्न बाय हार्ट कर लेना है. पहले तो समझना है, समझने के बाद लेकिन इसको अच्छे से याद भी कर लेना है. ये 25 नंबर अगर तुम्हारा सिक्योर हो गया तो तुम्हारा समझ जाओ 1/4 पेपर तो खत्म. 1/4 पेपर तुम्हारा खत्म EBCL में. नॉर्मली पिछला टर्म तक ये हम 2 क्लास में करवाते थे, लेकिन इस टर्म में इसके ऊपर 4 क्लास दिया जाएगा. बोले ना ताकि हम लोग चाट सके इसको. सुनाया तो ये कितना इंपॉर्टेंट है ये बयान नहीं किया जा सकता. ये आपको खुद से ही समझ में आ जाना चाहिए. तो दोस्तों सबसे पहले तो आप मेरा मैट निकालिए, मेरा मैट का इंडेक्स निकालिए. जो मेरा मैट का इंडेक्स है उसका चैप्टर नंबर 12 दिख रहा है, कंपटीशन लॉ. अच्छा 25 नंबर लिखवाया हुआ तो है तुम लोगों को. कंपटीशन लॉ 25 मार्क्स दिखाई दिया, लिख दो कंपलसरी. 25 मार्क्स कंपलसरी में आता है. 25 मार्क्स कंपलसरी में आता है. क्वेश्चन 3 15 मार्क, क्वेश्चन 4 10 मार्क. क्वेश्चन 3 15, क्वेश्चन 4 10. क्वेश्चन 3 15, क्वेश्चन 4 10. चलो अब स्टार्ट करें. सर एक बात बताइए ना सर, इंस्टीट्यूट का किताब पढ़ना चाहिए? मेरे से ज्यादा खुशी किसी को नहीं होगा. बिल्कुल पढ़ना चाहिए, बिल्कुल 100%. मेरे से ज्यादा खुशी किसी को नहीं होगा. तो पहले आप मेरा मैट खत्म कर लो, उसको अच्छे से 3 बार रिवीजन कर लो, क्योंकि एग्जाम के पहले तो छुट्टी उठी रहता नहीं है.
तो इतना याद रखना, जो एग्जाम के पहले पढ़ोगे वही लिख सकोगे। तो पहले मेरा मैट आप खत्म कर दो, ये मैट आप पहले 3 बार खत्म कर दो, अच्छे से याद करके रिवाइज करके, कम से कम 3 बार रिवीजन हो जाना चाहिए। इसके अलावा इस मैट के और हैंडआउट भी दिए गए होंगे, बुकलेट, एनआई एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वो लगभग मिला करके तुम्हारा हो जाता है 70-80 पन्ना, और इसी का पार्ट है ना बेटा। तो एनआई कॉन्ट्रैक्ट का जो और 70-80-100 पन्ना है वो भी खत्म करो, ठीक है। ये सब करने के बाद फिर मेरा वर्कबुक जो है पक्का से 3 बार पढ़ लो, वर्कबुक जो दिया गया है। ये सब भी अगर हो जाए तब एक बार आपको इंस्टीट्यूट का मैट अगर समय मिले तो जरूर रिवाइज कर लेना चाहिए, बिल्कुल। मेरे से ज्यादा खुशी किसी को नहीं होगा, बिल्कुल कर लेना चाहिए। सुनाया? बिल्कुल। क्या नहीं जानिए बेटा, 325 पन्ना है, क्या नहीं यार। वर्कबुक में और होगा 100 पन्ना, क्या नहीं जाने बेटा। वर्कबुक देखे बीसीएल का कितना पन्ना है, अरे देखना फटाफट, भेज दिया होगा कुछ बच्चा लोग, बोला ऊंचा था मिल रहा था सल्टा दिया, मल्टी कलर्ड मैट और था आपका, 150 पन्ना के आसपास होगा। काउंट किया हुआ अलग से, काउंट मत करो, वही अप्रोक्स 500 पन्ना। तो ये पहले 3-4 बार पढ़ लीजिए अच्छे से, जब ये पूरा 3-4 बार आप पढ़ लिए, सब कोना कोना इसका आपको दिमाग में है, बिल्कुल मेरे से ज्यादा खुशी किसी को नहीं होगा। आप इंस्टीट्यूट का मैट भी जो है बिल्कुल रेफर कर सकते हैं, मैं तो बोलता हूं, मोटिवेट करता हूं, करिए, चलिए आइए। बट ऐसा नहीं हो कि धोबी वाला डैश का हाल हो जाए, ना इधर का ना उधर का। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं पहले 500 पन्ना ही अपने अंदर समा लो हर सब्जेक्ट का, उसके बाद 3 बार रिवाइज कर लो। फिर भी अगर एग्जाम का डेट तब तक नहीं आए, एक बार इंस्टीट्यूट का मैट भी जरूर पलट लो। बिल्कुल मेरी तरफ से हरा झंडी है, बिल्कुल आप लोग को यह करना चाहिए, ओके। पर उसके पहले जो जो काम बोले वो कर लेना, और याद रखना एग्जाम के पहले तुमको रिवाइज भी करना है, एग्जाम के पहले तुमको रिवाइज भी करना है। सुनाया? चलो सर क्लास और बढ़ा दीजिए, ऑलरेडी 270-280 क्लासेस है, आप समझ रहे हैं। तो जहां आप जरूरी है, देखो 25 नंबर है इसको तो बता रहे हैं, नहीं अगर डे टू डे पढ़ाई किया, भिड़ा भिड़ा करके दीवार में पढ़ाएंगे, नहीं आई एम नॉट जोकिंग, फिर तुम्हारे ऊपर ही केस करवाएंगे, मेरे को मेंटल हैरेसमेंट किया, जेल भी तुम्ही को करवाएंगे। तो शांति से पढ़ लेना। चलो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए कंपटीशन लॉ का। 25 नंबर है भाई, क्वेश्चन 3 और 4। सबसे पहले कंपटीशन लॉ जो है ये बनाया क्यों किया, और ये कंपटीशन होता क्या है यार, सबसे पहले व्हाट इज कंपटीशन, आखिर ये कंपटीशन क्या है। इसको वर्ल्ड बैंक ने डिफाइन किया था 1999 में, वर्ल्ड बैंक 1909 डिफाइंड द टर्म कंपटीशन। कंपटीशन मींस अ सिचुएशन इन द मार्केट, कंपटीशन मींस अ सिचुएशन इन द मार्केट, कंपटीशन मींस अ सिचुएशन इन अ मार्केट वेयर टू सेलर्स इंडिपेंडेंटली स्ट्राइव, वेयर टू सेलर्स इंडिपेंडेंटली स्ट्राइव और स्ट्राइक विद ईच अदर, टू सेलर्स इंडिपेंडेंटली स्ट्राइव मतलब भी कोशिश और स्ट्राइक मतलब भिड़िया ना आपस में, वेयर टू सेलर्स इंडिपेंडेंटली स्ट्राइव और स्ट्राइक विद ईच अदर। तो कंपटीशन इज अ सिचुएशन इन द मार्केट, कंपटीशन मींस अ सिचुएशन इन द मार्केट वेयर टू इंडिपेंडेंट सेलर्स स्ट्राइक और इंडिपेंडेंटली स्ट्राइक विद ईच अदर टू गेट बायर्स पैट्रोनेज, टू गेट बायर्स पेट्रोनेज, टू गेट बायर्स पेट्रोनेज मीन्स सपोर्ट। यही कंपटीशन है, दो लोग आपस में भिड़ते हैं बायर का सपोर्ट पाने के लिए, पेट्रोनेज पाने के लिए।
दिस कंपटीशन. सो कंपटीशन एज पर वर्ल्ड बैंक इन द ईयर 1999 मींस अ सिचुएशन इन द मार्केट. कंपटीशन अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, कंपटीशन एज पर वर्ल्ड बैंक इन द ईयर 1999 मींस अ सिचुएशन इन द मार्केट. कंपटीशन एज पर वर्ल्ड बैंक 1999 मींस अ सिचुएशन इन द मार्केट वेयर टू सेलर्स स्ट्राइक और स्ट्राइक इंडिपेंडेंटली बीच. इधर सिचुएशन इन द मार्केट है जहां पर दो सेलर आवास में भिड़ते हैं टू गेट बायर्स पेट्रोनेज. इट्स अ सिचुएशन इन द मार्केट वेयर टू इंडिपेंडेंट सेलर्स स्ट्राइक ईच अदर टू गेट बायर्स पेट्रोनेज यानी सपोर्ट. दिस कॉल्ड कंपटीशन. अब हम आपको एक चीज बता दें कि कंपटीशन जो है इकोनॉमिकली अच्छा है कि खराब है. अच्छा है, इट गेट्स द बेस्ट आउट ऑफ यू. मेरा कंपटीशन मेरे साथ है तो हम ये नियम बांध रखे हैं, हम प्लेज कर रखे, कसम खा रखे हैं कि हम जो कल थे हम उसे बेहतर रहेंगे आज. एवरी डे एवरी टर्म यू विल सी एवरी टर्म सम न्यू बेनिफिट्स आर बीइंग गिवन टू द कंज्यूमर्स यानी आप लोग. लास्ट टर्म तक भी सब कुछ ठीक था. जो रैंक आया अपने यहां से 7 ऑल इंडिया रैंक आया, वो 7 ऑल इंडिया रैंक बिना वर्क बुक के आया. इसका ये मतलब नहीं है कि नहीं पढ़ना है, बट मेरे को लगा नहीं बच्चों को और कुछ करके दे तो उसके लिए इस टर्म में धड़ल्ले से मेहनत करके क्या लाया गया, वर्क बुक. अब नेक्स्ट टर्म में कुछ और करेंगे. क्या करेंगे, एग्जाम ही देने चले जाएंगे क्या, और क्या करिएगा. सोचेंगे, अभी तक सोचे नहीं, अभी ये टर्म तो पहले खत्म हो, बट कुछ ना कुछ तो करेंगे, कुछ ना कुछ जो हो चुका वो तो हो चुका, अब और बेटर कैसे बना जाए. तो कंपटीशन अगर है तो इनोवेशन है, कंपटीशन अगर है तो इनोवेशन हो जाता है. कंपटीशन गेट्स द बेस्ट आउट ऑफ यू, इट प्रमोट्स इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी. इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, अगर इनोवेशन एंड क्या है क्रिएटिविटी, तब इकोनॉमी का क्या होता है, ग्रोथ होता है, नहीं तो इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो जाएगा यार. इट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी, इट इंक्रीजेस द बनाया. सो कंपटीशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए. सो इनोवेशन होता है, क्रिएटिविटी होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, इंक्रीजेस द एफिशिएंसी, देश का जीडीपी बढ़ जाता है, इंक्रीजेस द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इंक्रीजेस द जीडीपी ऑफ द कंट्री, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ द कंट्री. सुनाया, तो बिल्कुल कंपटीशन होना चाहिए. कोई भी देश पहले कोई पॉलिसी बनाता है कि लॉ बनाता है, पहले पॉलिसी बनता है, पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए लॉ बनाया जाता है. तो अब हम आपको सिखाने वाले हैं कि पॉलिसी और लॉ में क्या क्या डिफरेंसेस होता है, क्या फर्क होता है बिटवीन पॉलिसी एंड लॉ. आखिर व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन पॉलिसी एंड लॉ, वो अभी हम लोग दोस्तों सीखने वाले हैं. रेडी. एट फर्स्ट, पहले सरकार चाहता क्या है, गवर्नमेंट आखिर चाहता क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है. पहले गवर्नमेंट को अपना पॉलिसी ले डाउन करना पड़ेगा, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स. जैसे कंपटीशन को लेकर के भी गवर्नमेंट क्या चाहता है, कंपटीशन हो कि नहीं हो. तो ये तो गवर्नमेंट का क्या हो गया, पॉलिसी. अब फिर वो पॉलिसी अगर हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे लोगों को तो थोड़ी ना लोग मानेंगे, ढीठ लोग हैं. तो पॉलिसी इंप्लीमेंट करने के लिए कानून आता है जिसको बोलते हैं लॉ. आ गया सर. अब जैसे गवर्नमेंट ने जब कंपटीशन एक्ट 2002 बनाया ना, कंपटीशन एक्ट, वो क्या है, पॉलिसी है कि लॉ है. हाँ, लॉ है. तो गवर्नमेंट ने जो कंपटीशन एक्ट 2002 बनाया, कुछ ऑब्जेक्टिव्स पूरा करने के लिए बनाया. आखिर वो क्यों ऑब्जेक्टिव्स था, ध्यान से सुनो. कंपटीशन एक्ट 2002 किस ऑब्जेक्टिव्स, किस उद्देश्य से बनाया गया था, ध्यान से सुनते रहिए. स्टाफ कहां चला गया, स्टाफ पीपल, क्या सरकार का ऑब्जेक्टिव था कंपटीशन एक्ट बनाने के पीछे, टू प्रमोट हेल्दी कंपटीशन. टू प्रमोट हेल्दी कंपटीशन. हो कंपटीशन हो कि नहीं हो, अरे क्या हो, हेल्दी कंपटीशन ना, हेल्दी कंपटीशन. तो
प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, टू प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, देश का क्या हो जाए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स इंटरेस्ट, टू प्रोटेक्ट, अगर कंपटीशन होगा ना तो कंज्यूमर का इंटरेस्ट क्या होगा, सेफ होगा, समझ आया, टू प्रोटेक्ट स्मॉल ट्रेडर्स इंटरेस्ट, टू प्रोटेक्ट, तो सरकार का क्या क्या पॉलिसी में ऑब्जेक्टिव था जिसके कारण कंपटीशन एक्ट लाया गया, ए याद रखने का तरीका, दो प्रमोट करना है, दो प्रोटेक्ट करना है, दो चीज प्रमोट करना है, दो चीज प्रोटेक्ट, प्रमोट करना है हेल्दी कंपटीशन, प्रमोट करना है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्रोटेक्ट करना है, प्रोटेक्ट करना है कंज्यूमर्स इंटरेस्ट एंड स्मॉल ट्रेडर्स इंटरेस्ट, पक्का, टू प्रिवेंट एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन इन इंडिया, टू सेटअप कमीशन, कमीशन बनाया गया सीसीआई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, टू सेटअप द कमीशन, कमीशन, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो ये सबको देख करके रेगुलेट कर सके, तो कंपटीशन लॉ का रेगुलेटर कौन है, कंपटीशन लॉ का रेगुलेटर है, तो कंपटीशन एक्ट में लिखा हुआ था कि हम लोग कमीशन बनाएंगे, कंपटीशन एक्ट के अंदर ऑब्जेक्टिव था, इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव था कमीशन बनाना, और कमीशन बनाया इन्होंने, सीसीआई बनाया है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो ये सब चीज को प्रमोट करता है, प्रोटेक्ट करता है, प्रिवेंट करता है एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन द कंपटीशन इन इंडिया, जबरदस्त लाइन है यार, सीसीआई को बनाया गया है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को बनाया गया है टू प्रिवेंट एंटी कॉम्पिटेटिव एग्रीमेंट, टू प्रिवेंट एंटी कॉम्पिटेटिव एग्रीमेंट, हम लोग चाहते हैं कंपटीशन हो कि नहीं हो, जो एग्रीमेंट कंपटीशन रोकता है, जिस एग्रीमेंट से कंपटीशन घटता है रोकता है, जो एग्रीमेंट से कंपटीशन खत्म हो जाए, जिस एग्रीमेंट से कंपटीशन, मतलब वो एंटी कॉम्पिटिटिव है, जिस एग्रीमेंट से कंपटीशन खत्म हो जाएगा, मतलब जिस एग्रीमेंट से कंपटीशन खत्म हो जाएगा मतलब वो कंपटीशन के खिलाफ है, तो जो एग्रीमेंट कंपटीशन के खिलाफ है उसको बोलते हैं एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट, और वो एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट को हम लोग होने नहीं देंगे, कौन नहीं होने देगा, सीसीआई, सीसीआई बनाया गया कि भाई नजर रख कोई ऐसा एग्रीमेंट तो आपस में लोग नहीं कर रहे हैं जिससे कंपटीशन खत्म हो जाए, बहुत बुरा असर पड़े कंपटीशन के ऊपर, वो एंटी कॉम्पिटेटिव एग्रीमेंट, और वो एंटी कॉम्पिटेटिव एग्रीमेंट को बैन किया गया, वॉइड किया गया, सीसीआई ढूंढ करके वॉइड कर देगा, सर एंटी कॉम्पिटेटिव एग्रीमेंट क्या होता है, हिंदी में समझ में आ गया, जो कंपटीशन के खिलाफ है वो एंटी कॉम्पिटेटिव, टेक्निकली एंटी कॉम्पिटेटिव का डेफिनेशन क्या है, एंटी कॉम्पिटेटिव एग्रीमेंट मीन्स दोज एग्रीमेंट विच क्रिएट और लाइकली टू क्रिएट, एंटी कॉम्पिटेटिव एग्रीमेंट कौन है, विच क्रिएट और लाइकली टू क्रिएट एप्रिशिएबल adverse effect on the competition in India, अब feeling आ रहा है, anti-competitive कौन है, which creates or is likely to create, anti-competitive agreement कौन है, which creates or likely to create, appreciate, which creates or, anti-competitive agreement वो है, which creates or likely to create, appreciable, adverse effect on the competition in India, appreciable adverse effect, competition in India, हिंदुस्तान में कंपटीशन के ऊपर एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट हो रहा है, सर एप्रिशिएबल भी बोल रहे हैं खूबसूरत, एडवर्स भी बोल रहे हैं खराब, खूबसूरत खराब कैसे, एप्रिशिएबल मतलब होता है टू अ लार्ज एक्सटेंट, एप्रिशिएबल मतलब ब्यूटीफुल नहीं होता, एप्रिशिएबल मींस एडवर्स मतलब खराब, तो टू अ लार्ज एक्सटेंट खराब इफेक्ट ऑन कंपटीशन इन इंडिया, बहुत ज्यादा खराब इफेक्ट ऑन कंपटीशन इन इंडिया इज एंटी कॉम्पिटेटिव एंड इट इज बैंड बाय सीसीआई, एग्जांपल्स सिखाएंगे बेटा, अभी चालू हुआ है, चार क्लास चलेगा, धीरे धीरे आएगा, तो एप्रिशिएबल मतलब अच्छा नहीं होता, एप्रिशिएबल मतलब खराब, टू लार्ज एक्सटेंट, एडवर्स मतलब खराब, जैसे अगर किसी को अगली बोलना हो तो ऐसे नहीं बोलते मुंह पर किसी को, यू आर अगली, your beauty is appreciably adverse, सामने वाले बोलेगा thank you, mention not any time, उसको beauty सुनाई दी, appreciable सुनाई दी, adverse,
ठीक है, टेक्निकल होगा कुछ, इसको बोलते हैं यू आर अगली, योर ब्यूटी इज एप्रिशिएबली एडवर्स, बट थैंक यू एनी टाइम। ये सब यूज करना। तो दोस्तों जब कंपटीशन का क्या बनाया गया एक्ट, वो क्यों बनाया गया कंपटीशन, पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो सरकार का क्या ऑब्जेक्टिव था मेरे को बताओगे, दो चीज को प्रमोट करना, दो चीज को प्रोटेक्ट करना। प्रमोट करना है हेल्दी कंपटीशन, टू प्रमोट हेल्दी, बोलने दो, टू प्रमोट हेल्दी कंपटीशन, टू प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, प्रमोट हेल्दी कंपटीशन, प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। दो जन को प्रोटेक्ट करना है, प्रोटेक्ट करना है कंज्यूमर इंटरेस्ट एंड स्मॉल ट्रेडर इंटरेस्ट, प्रिवेंट अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन द कंपटीशन इन इंडिया एंड टू सेटअप सीसीआई कमीशन, दैट कमीशन इज सीसीआई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो पहले क्या बनता है, ये पॉलिसी पहले बनता है ना, एट फर्स्ट पॉलिसी इज मेड, लॉ इज मेड लेटर। पॉलिसी इंडिपेंडेंट है, जो चाहे पॉलिसी में सोच सकते हो, बट लॉ डिपेंड्स ऑन, है ना। पॉलिसी कौन बनाता है, गवर्नमेंट, लॉ कौन बनाता है, पार्लियामेंट, एक्ट के जरिए। समझ आया, पार्लियामेंट क्या बनाता है एक्ट, एंड गवर्नमेंट फिर क्या बनाता है रूल्स, ये तो पता है बेसरमो, लेकिन पॉलिसी कौन बनाता है, गवर्नमेंट। फिर उसके लिए एक एक्ट तैयार होता है जो कहां पास होता है, पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट का काम पॉलिसी बनाना नहीं है, सरकार का काम है पॉलिसी बनाना, पार्लियामेंट का काम है लॉ बनाना। समझ आ गया सर, पॉलिसी जीनस है, जीनस बड़ा चीज है, बड़ा चीज, लॉ तो उसका एक स्पीसी है, लॉ उसका एक वैरायटी है, टाइप है, मक्खन। सो एट फर्स्ट पॉलिसी इज मेड, देन द लॉ इज मेड। पॉलिसी बनाते समय कुछ भी सोच सकते हो, इंडिपेंडेंट है, बट लॉ डिपेंड्स ऑन पॉलिसी, पॉलिसी बनाता सरकार, लॉ बनाता पार्लियामेंट एंड सरकार। पॉलिसी जीनस है, जीनस है, ब्रॉडर है ना, ब्रॉडर है, और स्पीसी और नैरोअर है, ये सब फर्क है बिटवीन पॉलिसी एंड लॉ। मक्खन एकदम। अभी तक हम लोग क्या सीखे, एक बार दो मिनट का क्विक रिवीजन, दो मिनट का क्विक रिकैप। सबसे पहले मार करके आपको कंपटीशन का डेफिनेशन समझाएं। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक इन द ईयर 1999, कंपटीशन मींस अ सिचुएशन इन द मार्केट वेयर टू सेलर्स इंडिपेंडेंटली स्ट्राइक और स्ट्राइक विद ईच अदर टू गेट बायर्स पेट्रोनेज यानी सपोर्ट। देयर इज अ रिसर्च विच सेज दैट इफ देयर इज कंपटीशन इन द कंट्री, इफ देयर इज अ कंपटीशन इन द, देयर विल बी इकोनॉमिक ग्रोथ। कंपटीशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कंपटीशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बिकॉज कंपटीशन है इनोवेशन होगा, क्रिएटिविटी होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगा, इट विल क्रिएट इनोवेशन, क्रिएटिविटी, एफिशिएंसी बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री बढ़ेगा, पक्का। उसके बाद हम आपको सिखाए कि कंपटीशन का पहले पॉलिसी बनता है कि लॉ बनता है, फिर लॉ, पॉलिसी और लॉ में क्या डिफरेंस है, पांच डिफरेंस। कंपटीशन का पॉलिसी के लिए कौन सा लॉ बनाया गया, कंपटीशन एक्ट 2002, क्या ऑब्जेक्टिव्स था, क्या ऑब्जेक्टिव्स लिखा हुआ है कंपटीशन एक्ट 2002 में। दो चीज को प्रमोट करना है, हेल्दी कंपटीशन को, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, प्रोटेक्ट करना है कंज्यूमर्स इंटरेस्ट को, ट्रेडर्स इंटरेस्ट को, प्रोटेक्ट करना कंज्यूमर इंटरेस्ट, ट्रेडर्स इंटरेस्ट, प्रिवेंट एंटी कॉम्पिटेटिव एग्रीमेंट, स्टॉप द एंटी कॉम्पिटेटिव एग्रीमेंट विच क्रिएट्स और लाइकली टू क्रिएट अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन द कंपटीशन इन इंडिया एंड टू सेटअप सीसीआई कंपटीशन कमीशन ऑफ। अब सबसे पहले हम आप लोग को बताना चाहेंगे सीसीआई के बारे में, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, एस्टैब्लिश्ड बाय सीजी, इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट। सो सीसीआई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन, एस्टैब्लिश्ड बाय सीजी बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट। इसका पता है एक हेड ऑफिस है, इसका हेड ऑफिस पता कहां है, न्यू दिल्ली, हेड ऑफिस है न्यू दिल्ली। इसका हेड ऑफिस जो है ये कौन डिसाइड किया है, सीजी। इसका अदर ऑफिसेस भी है,
वो अदर ऑफिसेस पता है कौन डिसाइड करता है? सीसीआई खुद, हेड ऑफिस डिसाइडेड बाय सीजी, सीसीआई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश बाय सीजी बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल कैबिनेट, हेड ऑफिस डिसाइडेड बाय एचओ डिसाइडेड बाय एचओ डिसाइडेड बाय सीजी मेरे गांजा लोग, एचओ डिसाइडेड बाय सीजी एंड अदर ऑफिसेस आर डिसाइडेड बाय पक्का। ये जो कमीशन है ना कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, सर इसका क्या काम है? अरे जो एक्ट का ऑब्जेक्टिव था वो पूरा करना इसका काम है, सीसीआई का वो सारा काम है जो एक्ट का ऑब्जेक्टिव था। इसमें पता है सीसीआई के अंदर एक चेयरमैन है, इसमें मिनिमम बोला दो मेंबर रहेगा और मैक्सिमम छह मेंबर रहेगा, उससे ज्यादा नहीं रह सकता। तो ऐसा नहीं है कि सीसीआई तुम लोगों को लग रहा होगा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक बहुत, इसमें बहुत सारे मेंबर लोग रहेंगे, नहीं, एक चेयरमैन, इंप्लॉय लोग बहुत सारे रहेंगे, टीम बड़ा रहेगा बट जो चेयरमैन रहेगा वो तो एक ही रहेगा और मेंबर भी ज्यादा नहीं, मिनिमम दो मैक्सिमम छह। फिलहाल हम आपको बता दें कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में केवल दो मेंबर है, अलाउड है, मिनिमम दो रखना है ना, इन लोग दो ही रखा है, कानून में लिखा हुआ ना मिनिमम दो, और एक्चुअल में भी इन लोग दो ही रखा है। क्या तीन चार पांच छह रख सकता था? सात, एक, दो, मिनिमम दो और इन लोग दो ही रखा है। इनके चेयरमैन साहब का नाम है मिस्टर अशोक गुप्ता, एग्जाम में लिखने का दरकार नहीं है, इनको प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए दिखा रहे हैं, अशोक गुप्ता जी, मिस्टर अशोक गुप्ता। सीसीआई का भी साइट है cci.gov.in, जैसे mca.gov.in वैसे cci.gov.in। जब हम लोग हमारा लेक्चर आज का और हो जाएगा, जब मार्किंग कार्ड में जाएंगे हम इसका वेबसाइट भी खोल करके दिखाएंगे। तो एक चेयरमैन है मिस्टर अशोक गुप्ता, दो मेंबर है, एक का नाम है संगीता वर्मा और एक का नाम है भगवंत सिंह बिश्नोई। ये याद करने का दरकार नहीं, तुमको ये याद करना है, एक चेयरमैन है अशोक गुप्ता, मेंबर मिनिमम दो है मैक्सिमम छह। तो अभी कितना है यहां पर? दो मेंबर है, संगीता वर्मा जी, भगवंत सिंह बिश्नोई। ओके सर, इन लोग को अपॉइंट कौन करता है? सीजी, सीजी अपॉइंट करता है, बट सीजी जो अपॉइंट करता है नाम रेकमेंड करता है सिलेक्शन कमिटी, दे आर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ नेम्स, नेम्स आर रेकमेंडेड बाय, ठीक है, अपॉइंटमेंट कौन करता है? सीजी अपॉइंट जरूर करता है लेकिन नेम रेकमेंडेड बाय सिलेक्शन कमिटी। अब ये सिलेक्शन कमिटी में कौन लोग रहते हैं ये भी आपको जानना पड़ेगा। सिलेक्शन कमिटी जो है ना, सिलेक्शन कमिटी में, सिलेक्शन कमिटी का जो चेयरमैन है वो रहता है सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और इज नॉमिनी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो भारत का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है या फिर उसका नॉमिनी, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास समय नहीं है वो अपना नॉमिनी बैठा देगा टू बी द चेयरमैन ऑफ सिलेक्शन कमिटी। सुनो, सिलेक्शन कमिटी में और कौन रहेगा? चेयरमैन तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और इज नॉमिनी रहेगा, सेक्रेटरी ऑफ एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, सेक्रेटरी ऑफ एमसीए, सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, टू अदर एक्सपर्ट्स, टू जिन लोग को पूरा कंपटीशन, इंटरनेशनल लॉ, बिजनेस लॉ, इंटरनेशनल लॉ, बिजनेस लॉ, टैक्सेशन, सब चीज का ज्ञान, तो दो तो एक्सपर्ट्स को रहता है। तो सिलेक्शन कमिटी में इन लोग सब रहते हैं, सिलेक्शन कमिटी का चेयरमैन रहेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और इज नॉमिनी, सेक्रेटरी ऑफ एमसीए, सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, टू अदर एक्सपर्ट्स। इन लोग क्या करेगा? अपॉइंट करेगा कि नाम रेकमेंड करेगा? इन लोग नाम रेकमेंड करेगा किसका? चेयरमैन ऑफ सीसीआई, मेंबर्स ऑफ सीसीआई का नाम इन लोग रेकमेंड करेगा और अपॉइंट तो सीजी करेगा। अब ये जो चेयरमैन और मेंबर का बात हो रहा है ना सीसीआई का, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का, सुन लो, इन लोग का टेन्योर मैक्सिमम 5 इयर्स तक रहता है, दे आर अपॉइंटेड फॉर मैक्सिमम 5 इयर्स, रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल? यस पॉसिबल, मैक्सिमम एज 65 इयर्स, दे कैन नॉट होल्ड ऑफिस बियॉन्ड 65 इयर्स, सो इफ दे हैव बीन अपॉइंटेड ऑन द 63rd बर्थडे दे कैन कंटिन्यू ओनली फॉर मोर 2 इयर्स, दे कैन नॉट होल्ड ऑफिस बियॉन्ड 65 इयर्स, होल टाइम एम्प्लॉयमेंट रहेगा, ऐसा नहीं है कि पार्ट टाइम ज्यादा करके पढ़ा भी रहा है, होल टाइम एम्प्लॉयमेंट, और कोई पेड एम्प्लॉयमेंट में इन लोग काम और कोई एम्प्लॉयमेंट इन लोग टेकअप नहीं कर सकता, दे आर इन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट। इन लोग का सैलरी वगैरह जो है वो रूल्स में डिसाइड होता है, क्या चेंज हो सकता है सर? हाँ चेंज हो सकता है, खाली अपवर्ड, डाउनवर्ड नहीं। एनी चेंज इन द सैलरी एंड टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एनी चेंजेस इन द सैलरी एंड टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कैन बी मेड प्रोवाइडेड दे आर नॉट प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ देम,
देयर शुड नॉट बी प्री जुडिशियल, मतलब सैलरी टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आप चेंज करोगे तो फेवर में करोगे, अगेंस्ट में नहीं कर सकते। सैलरी बढ़ाया जा सकता है, घटाया नहीं जा सकता। जो फैसिलिटी दिए जा रहे हो और बढ़ाए जा सकते हैं, विड्रॉ नहीं किए जा सकते। फटाफट बताओ मेरे को, चेयरमैन कितना, मेंबर मिनिमम, मैक्सिमम अभी कितना है, अपॉइंटेड बाय, सीरी रेकमेंडेड बाय, देयर देयर टेन्योर इज मैक्सिमम, मैक्सिमम 5 ईयर, रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल, हाउ मेनी टाइम्स, एनी नंबर ऑफ टाइम्स, रीअपॉइंटमेंट के ऊपर कोई बाधा नहीं है, एनी नंबर ऑफ टाइम्स, मैक्सिमम एज 65 ईयर्स, फुल टाइम, पार्ट टाइम, फुल टाइम रहेगा इन लोग। सैलरी टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सैलरी एंड टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कैन बी चेंज ओनली इन फेवर, नॉट अगेंस्ट। समझ आ गया सर? सर इन लोग रिजाइन कर सकता है? हाँ कर सकता है। रेजिग्नेशन विल बी इन राइटिंग सबमिटेड टू सीजी। अपॉइंट कौन किया था? रेजिग्नेशन इन राइटिंग सबमिट किसको करोगे? और अगला दिन से आना बंद कर दोगे? नहीं, इतना बढ़िया, इतना बड़ा ऑफिस है, बस ऐसे रिजाइन करके गायब, 3 महीना का नोटिस देना पड़ेगा इन लोगों को। हाँ अगर उसका टर्म पहले ही खत्म हो जा रहा है तो पहले, या फिर सीजी जो नया सक्सेसर अपॉइंट कर दिया पहले तो पहले, मतलब तीनों में विचेवर इज अर्लियर। सुना आ गया? दे शैल कंटिन्यू द ऑफिस आफ्टर रेजिग्नेशन, दे विल कंटिन्यू द ऑफिस आफ्टर रेजिग्नेशन इज अलाउड इन राइटिंग एड्रेस टू सीजी, इन राइटिंग एड्रेस टू सीजी। तुरंत छोड़ देगा ऑफिस कि 3 डेट में विचेवर इज अर्लियर, they will have to wait for 3 months from resignation, 3 months from resignation, या फिर till the expiry of the tenure। मेरा टर्म तो ऐसे भी डेस अगला महीना खत्म हो रहा था, 1 महीना बाद मेरा टर्म खत्म हो रहा था, हाँ तो ठीक है, वहां तक तो 3 महीने वेट करने का दरकार नहीं, तो 3 महीना या फिर एक्सपायरी ऑफ द टेन्योर, 3 months या फिर एक्सपायरी ऑफ द टेन्योर, या फिर सक्सेसर एंटरिंग द ऑफिस, सक्सेसर एंटरिंग द ऑफिस, व्हिचएवर इज अर्लियर। तब तक आपको ऑफिस होल्ड करना पड़ेगा 3 महीना तक, या फिर आपका टेन्योर जब तक खत्म नहीं हो जाता, या सक्सेसर आपके ऑफिस में नहीं आ जाता, विच एवर इज अर्लियर। ओके सर, आज मैंने रिजाइन किया, सीजी कल सक्सेसर भेज दिया, बाय, विच एवर इज अर्लियर। समझ आ गया? सीजी अगर चाहे तो निकाल भी सकता है इन लोग को, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो निकाल सकता है। ये 6 केस है, ये 6 केस में सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो चेयरमैन हो या मेंबर हो सीसीआई का, अपॉइंटेड बाई, रिमूव्ड बाई सीजी, अपॉइंटेड ऑल्सो बाई सीजी, रिमूव्ड ऑल्सो बाई सीजी। सर बताइए ना सर, वो 6 केस, पहला 3 केस शांति से सुनो, बहुत सिंपल है। पहला 3 केस या तो फिजिकली या मेंटली इनकेपेबल हो गया, फिजिकली और मेंटली इनकेपेबल हो गया, या फिर इंसॉल्वेंट हो गया, या मॉरल टर्पिट्यूड। ये पहला 3 तो याद नहीं करना, ये तो हर जगह रहता है। तो आइदर बिकमिंग फिजिकली और मेंटली इनकेपेबल और बिकमिंग इंसॉल्वेंट, गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड, ही इज गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड, ही हैज एंगेज्ड हिमसेल्फ इन अ पेड एम्प्लॉयमेंट, ही हैज एंगेज्ड हिमसेल्फ इन अ, ही एंगेज्ड हिमसेल्फ इन अ पेड एम्प्लॉयमेंट। बोले थे ना होल टाइम रहना है, ये बेटा कहीं और भी काम करना चालू कर दिया, तो ही हैज एंगेज्ड हिमसेल्फ इन अ पेड एम्प्लॉयमेंट, सीजी निकाल देगा, सीजी निकाल देगा। या फिर ही हैज अक्वायर्ड सम काइंड ऑफ फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंटरेस्ट, सम काइंड ऑफ फाइनेंशियल और ही हैज अक्वायर्ड सम काइंड ऑफ फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंटरेस्ट विच इज गोइंग टू अफेक्ट हिज इंडिपेंडेंस, विच इज गोइंग टू अफेक्ट हिज इंडिपेंडेंस। अभी इंडिपेंडेंटली काम, क्योंकि इसने कुछ फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल इंटरेस्ट हासिल कर लिया। मान लो से फॉर एग्जाम्पल इसका रिश्ता, मान लो शादी कर लिया से फॉर एग्जाम्पल न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर से, तो हमारे देश का रहेगा क्या? ये फाइनेंशियल इंटरेस्ट है कि नॉन फाइनेंशियल? नॉन फाइनेंशियल। या फिर डोनाल्ड ट्रंप, फाइनेंस दिया इसको, तो सर वो तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन में अलाउड नहीं है, फिर भी तो ले लिया, इसलिए तो निकाला जाएगा इसको। तो ही हैज अक्वायर्ड सम काइंड ऑफ, इसने कुछ ना कुछ फाइनेंशियल या फिर नॉन फाइनेंशियल इंटरेस्ट लिया है, एंड ही विल नॉट बी एबल टू वर्क इंडिपेंडेंटली, या फिर हैज अब्यूज द पोजीशन, ही हैज, समझ जाओ अब्यूज द पोजीशन, मतलब गाली दिया गया सर वो देता तो फिर भी ठीक था, ही हैज अब्यूज द पोजीशन, अपने पोजीशन का गलत फायदा उठाया, उस ब्राइबरी, अपने पोजीशन का गलत फायदा उठाया, ब्राइबरी वगैरह लिया। लास्ट 2 केस में अगर निकालना है,
तो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद से नहीं निकाल सकता, सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट को अप्लाई करेगा, सुप्रीम कोर्ट में साबित अगर होगा तब निकाला जाएगा। समझ में आ गया सर? पहला चार केस में क्या साबित करना रहे? डॉक्टर का सर्टिफिकेट आ गया, कोर्ट का डिक्लेरेशन आ गया, कोर्ट ही तो मॉरल टर्पिट्यूड में गिल्टी पाया। पेड एम्प्लॉयमेंट में क्या साबित करना है? दिख रहा है तुम कहीं और पेड एम्प्लॉयमेंट में हो, बट ये तो साबित करना पड़ेगा। ये सब सम काइंड ऑफ फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंटरेस्ट एंड ही विल नॉट बी एबल टू कंटिन्यू इंडिपेंडेंटली, या फिर यस अब्यूज द पोजिशन। ये पांचवा और छठवा में सीजी विल अप्लाई टू सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में साबित करोगे, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा तब निकलेगा। मक्खन सीसीआई छोड़ने के बाद, चाहे चेयरमैन हो चाहे मेंबर हो, अगला दो साल तक कोई भी कहीं पर भी जॉब नहीं करेगा, कूलिंग पीरियड है। सीसीआई छोड़ने के बाद अगला दो साल तक कूलिंग पीरियड है, तुम लोग कोई काम नहीं करोगे, कहीं पर जॉब नहीं करोगे, कहीं पर इंप्लॉयमेंट नहीं करोगे, तो सोच समझ करके सीसीआई ज्वाइन करना। अबे इतना ठूस देंगे, दरकार भी नहीं पड़ेगा, बहुत अच्छा सैलरी वगैरह पे पैकेजेस रहता है। सीसीआई छोड़ने के बाद अगला दो साल तक यू कैनॉट इंगेज इन एनी पेड एम्प्लॉयमेंट, यू कैनॉट इंगेज इन एनी पेड एम्प्लॉयमेंट फॉर नेक्स्ट टू इयर्स, कूलिंग पीरियड है दो साल। सीसीआई में नहीं, यहां से गए कहीं मत जाओ, अगला दो साल शांति से घर में बैठो। सुनाया? चलो चलो कोई बात नहीं, एग्जेम्पशन है, एग्जेम्पशन है, गवर्नमेंट कंपनी में जॉब कर सकते हो, सीजी एसजी कोई स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में जॉब कर सकते हो, मतलब सरकारी दफ्तर में काम कर सकते हो। बोलो ऐसा क्यों रेस्ट्रिक्शन लाया गया? ऐसा रेस्ट्रिक्शन इसलिए लाया गया ताकि मेरे को मोह माया से मुक्त रखा जा सके। से फॉर एग्जाम्पल आई वॉज द चेयरमैन ऑफ सीसीआई, रिलायंस जियो एक तरफ मेरे पास आया, रिलायंस जियो मेरे पास आया कि तुम बोल रहे हो हम एंटी कॉम्पिटेटिव काम कर रहे हैं। हाँ कर रहे हो तुम एंटी कॉम्पिटेटिव काम, तुम एंटी कॉम्पिटेटिव काम कर रहे हो, तुम कंपटीशन को खत्म कर रहे हो फ्री में सबको डेटा पैक्स दे दे करके। जब रिलायंस जियो शुरू में आज से दो साल पहले आया था, लत लगाया था तुम लोग को, बेशर वो महीना का एक जीबी होता था, महीना का एक जीबी उसमें तुम्हारा पूरा कोटा हो जाता था महीना का एक जीबी में। अभी तुम्हारा दिन का एक जीबी वो लत लगाया, डेढ़ जीबी दो जीबी ओ तेरी। तो शुरू में वो जियो लॉन्च ऑफर लाया, फिर जियो धन धना धन ऑफर लाया, फिर जियो न्यू ईयर ऑफर लाया। बेटा फ्री पे फ्री देते रहेगा तो अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन द कंपटीशन इन इंडिया होगा। विल इट क्रिएट अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन द कंपटीशन इन इंडिया? आई एम सीसीआई का चेयरमैन, ये धन धना धन बंद कर, इससे कंपटीशन खत्म हो रहा है। और ये सच में हुआ था, अगर तुमको याद हो पहला दो ऑफर में तो ठीक है, चलो सीसीआई बोला ठीक है चलो इंट्रोडक्शन है कोई बात नहीं, तीसरा बार भी वो बोल रहे हो कि फिर फ्री। फिर सीसीआई स्टेप इन, और नहीं फ्री, इसे कंपटीशन आइडिया को देखा, रो रहा एयरटेल से पसीना ही रुक नहीं जाए। वोडाफोन का सीईओ इंग्लैंड छोड़कर के इंडिया में ही बैठा है डर के मारे, सबका हालत खराब है। नहीं समझ आया? दो साल पहले का बात बता रहे हैं, अभी का बात नहीं बता रहे। तो फिर सीसीआई बोला अब और ऑफर मत दो, ये फ्री वाला। तब वो फ्री वाला ऑफर बंद हुआ। नो, वो मैसेज भी आया था कि जिन लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है चलो कोई बात नहीं, लेकिन और अब सब्सक्राइब हम लोग बंद कर रहे हैं क्योंकि सीसीआई का ऑर्डर आ गया। उस समय तुम लोग बच्चे हो गए, क्या तो हो रहा होगा कोई, लेकिन नोटिस अगर किया तो हाथ उठाओ, किसी बच्चे ने नोटिस किया फुल हैंड, किसी ने अगर नोटिस किया, किसी ने नहीं किया तो हाथ उठाइए। ऐसे मुंह से कैसे बोल रहे हैं, ऐसे किया किया, हाथ उठाओ जिन्होंने नोटिस किया, वेरी गुड। अब मान लो अगर सीसीआई का चेयरमैन हमें, और ये मुकेश अंबानी मेरे को आकर के बोल रहे हैं, अरे चेयरमैन साहब, हाँ बोलो, बोला ये कहे एंटी कॉम्पिटेटिव मान रहे, मत मानिए एंटी कॉम्पिटेटिव। हम बोला अच्छा है एंटी कॉम्पिटेटिव, बोला है वो तो हमको भी पता है। अच्छा ऐसे तो बाद में फिर मेरे खिलाफ अगर केस हो गया तो हमको यहां से निकाल दिया जाएगा, तो बोला रिलायंस में आपका स्वागत रहेगा, आपको डायरेक्टरशिप दे देंगे बोर्ड में, आप आइए ना रिलायंस में,
आप हम लोग के लिए काम करिए, जब तक कर सक रहे हैं उसके बाद हम लोग के लिए काम करिए। पहले सीसीआई में हम लोग के लिए काम करिए, यहां से निकल जाए तो फिर सच में हम लोग के लिए खुलेआम काम करिए। तो इसीलिए रोक लगाया गया। अब मान लो हमको निकाल दिया गया, हम चाह करके भी 2 साल वहां नहीं जा सकते, और 2 साल के बाद तो मेरे को पहचानेगा भी नहीं। बाबू समझ आ रहा है? अब 2 साल के बाद कौन पहचानता यार? क्या तुम्हारे बाद तो कितने सारे चेयरमैन आए और गए, तुम कौन सा बेनिफिट दिए थे? याद करिए वो दो साल पहले वो धंधा नादन ऑफर है, बोला वो बहुत पुराना बात है, इतना देर की वो लगा दिए, बोला वो मना किया हुआ था एक्ट ने, बोला हम क्या करें? अब जो कर्मकांड वाला बच्चा लोग होगा उन लोग बोलेगा 2 साल बाद भी तो जा ही सकते हैं। हाँ तो जाओ ना, जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कानून जितना कोशिश कर रहा है वो तो ठीक ही है, ऐसा तो नहीं बोलता लाइफ टाइम तुम घर में बैठो, ऐसा तो कानून नहीं बन सकता, पक्का ना? तो बताओ कितना साल का बैन है? तुम चाहे सही हो चाहे गलत हो, बात ही नहीं है, तुमको हम लोग काम करने ही नहीं देंगे सीसीआई के बाद और कहीं। कितना साल? बहुत बढ़िया प्रोविजन। अच्छा सुनो ना, एक कमीशन के पास केस आया कि एंटी कॉम्पिटेटिव एग्रीमेंट है कि नहीं है, केस आ कि एंटी कॉम्पिटेटिव एग्रीमेंट, लेकिन उस समय जो है ना कमीशन जो है ना वो ठीक से बना ही नहीं था, एक चेयरमैन था और एक मेंबर था, मिनिमम 2 मेंबर चाहिए ना रे बाबा, नहीं था, एक चेयरमैन और एक मेंबर, फैसला सुना दिया, वो फैसला बाइंडिंग के नॉट बाइंडिंग? बाइंडिंग, कानून में लिखा हुआ है, इवन इफ देर वॉज अ डिफेक्ट इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमीशन, इवन द कमीशन वॉज नॉट प्रॉपरली सेटअप, नॉट प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड, स्टिल द जजमेंट विल बी बाइंडिंग until and unless it affects the merits of the case, until and unless it affects the merits, jab tak case ka merits affect tab tak judgment binding rahega, just because instead of 2 members there was only 1 member at that time, matlab aisa nahi ki wo ghar mein tha dusra member tha hi nahi, just because instead of 2 members there was 1 member in the commission at that time, it does not mean that the judgment given by the commission will be invalid, it will continue to be valid unless the party can prove that the merits of the case have been affected। हम एक चेयरमैन और एक मेंबर है, हम लोग क्या गोगल हो गए? काफी है एक चेयरमैन एक मेंबर तुम जैसे लोगों के लिए फैसला सुनाने के लिए, तो ये बोल रहे हैं नहीं नहीं मजा नहीं आया, आप लोग का कमीशन खुद ही ठीक से नहीं बना है, हम एक्ट पढ़े हैं, मिनिमम 2 मेंबर चाहिए रहता है, एक चेयरमैन और मिनिमम 2 मेंबर, आप लोग तो एक चेयरमैन एक मेंबर थे, आप लोग का फैसला हम लोग नहीं मानते, हट तुम, हट, बाइंडिंग है, एक्ट में लिखा हुआ है कि जब तक आपका केस का मेरिट्स अफेक्ट, मेरिट्स ऑफ द केस जब तक अफेक्ट तब तक जजमेंट बाइंडिंग। मक्खन यहां तक समझ लिए हैं? सीसीआई का रोल क्या है कोई बता सकता है? किसको बचाना, किसको वॉइड कर देना? एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट, सीसीआई का काम है एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स को क्या कर देना, वॉइड कर देना, टू मेक वॉइड द एंटी कॉम्पिटिटिव। सर एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट क्या होता है? अभी तो बताए थे एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट मींस दोस एग्रीमेंट विच क्रिएट और आर लाइकली टू क्रिएट, क्रिएट और आर लाइकली टू क्रिएट एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन द कंपटीशन इन इंडिया, विच क्रिएट और आर लाइकली टू क्रिएट एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन द कंपटीशन इन इंडिया। अभी एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट 2 प्रकार के होते हैं, हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट वर्टिकल एग्रीमेंट। हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट में होता है कुछ ये सब, सुनो कौन सा एग्रीमेंट बताओ ना, पढ़ते चलना,
बेट रिगिंग बोलो, सर आप दो टो बोले थे चीटिंग हो रहा है, दो के अंदर और सब टाइप्स है। एंटी कॉम्पिटेटिव एग्रीमेंट्स में बी ऑफ टू मेजर टाइप, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल के अंदर चार है, प्राइस फिक्सेशन, प्राइस फिक्सेशन, लिमिटेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड सप्लाई, एलोकेशन ऑफ मार्केट शेयर, बिडिंग। अब ये हॉरिजॉन्टल क्या होता है समझो, हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट मींस एग्रीमेंट एंटर्ड बिटवीन सेम लेवल ऑफ पार्टीज ऑपरेटिंग इन सेम प्रोडक्शन सप्लाई चेन, टू पार्टीज ऑपरेटिंग एट द सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन सप्लाई चेन, टू बिजनेसेस ऑपरेटिंग एट सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन सप्लाई चेन, सेम लेवल सेम स्टेज। ये रहा प्रोडक्शन सप्लाई चेन, एक रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरर, एक फिनिश गुड मैन्युफैक्चरर, एक ट्रांसपोर्टर है। एक रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरर दूसरा रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरर के साथ क्या कर रहा है, एग्रीमेंट, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल समझ में आ रहा है, एग्रीमेंट इज बीइंग मेड बिटवीन, एग्रीमेंट इज बीइंग मेड, हॉरिजॉन्टल मतलब बताओ, एग्रीमेंट इज बीइंग मेड, एग्रीमेंट इज बीइंग मेड बिटवीन, बिटवीन businesses operating at same stage, same level of production supply chain, जिन लोगों का औकात, हाँ ऐसे हिंदी में समझ में आ गया, बट इंग्लिश में ऐसे लिखोगे औकात सेम, टू बिजनेसेस विच आर ऑपरेटिंग एट द सेम स्टेज एंड लेवल ऑफ प्रोडक्शन सप्लाई चेन, दे एंटर हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट। अब ये एंटी कंपिटेटिव कब होगा हम आपको बताते हैं, कंपटीशन के खिलाफ। सबसे पहले एकदम सिंपल वाला बात करते हैं, एलोकेशन ऑफ मार्केट शेयर, एलोकेशन ऑफ दो सेलर लोग था, आपस में कंपटीशन करता रहता था, तो दोनों सेलर आपस में एक दूसरे से मिला, अपने दोनों आपस में क्यों लड़ते हैं बेकार में, अपने दोनों में प्राइस वॉर हो जा रहा है, तुम कस्टमर को टान रहे हैं, हम भी कस्टमर को टान रहे हैं, दोनों में प्राइस वॉर, मतलब प्राइस बढ़ रहा है कि घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है। तो दोनों सेलर आपस में मीटिंग किया, नॉर्थ मेरा साउथ तेरा, ईस्ट मेरा वेस्ट तेरा, चल एरिया बांट लिए। अब नॉर्थ में ईस्ट में तुम एंट्री मत करना, हम अनाप सनाप प्राइस चार्ज कर लेंगे, साउथ में वेस्ट में मैं एंट्री नहीं करेगा, तुम अनाप सनाप चार्ज कर, तो इससे क्या कंज्यूमर लोग एक्सप्लॉइट होगा, कंपटीशन बचेगा, कंपटीशन है ही नहीं, दो जन के बीच में कंपटीशन था, जो दो जन के बीच में कंपटीशन था उन लोग खुद ही हाथ मिला ले और एरिया डिवाइड नहीं, समझाया, सीसीआई जो है ना ये होने नहीं देगा, सीसीआई दोनों को धंधा बंद कर देगा, बोला दोनों ही मत करो, पेनल्टी लगा देगा, फाइन लगा देगा दुनिया भर का। अब आपको थोड़ा सा अनफेयर लग रहा होगा सीसीआई की व्यू, सीसीआई का ये एक्शन कि सर दो बिजनेसमैन लोग अगर ऐसा स्ट्रैटेजी बना रहा है तो हम लोग को बिजनेसमैन का स्ट्रैटेजी की ऐसी की तैसी, हम लोग को तो देश बचाना है, ऐसे तो टैक्स भी मत कलेक्ट करो, अनफेयर है, खुद का खुद पसीना का कमाई है बाबू, क्यों टैक्स दें, हम लोगों को तो देश बचाना है भाई, हम लोगों को तो इकोनॉमिक ग्रोथ करना है कंट्री का, हम लोगों को तो कंज्यूमर लोगों को बचाना है, स्मॉल ट्रेडर लोगों को बचाना है। तो अगर दो बड़ा बड़ा जाइजेंटिक सेलर लोग आपस में ऐसे एरिया बांट ले तो हो गया कहानी, नहीं समझ में आया। तो एलोकेशन ऑफ इस कॉम्पिटेटिव के एंटी कॉम्पिटेटिव, पक्का श्योर, when will it be anti competitive, when it is creating or likely to create appreciable adverse effect, sunna aage sunna aage, matlab do bada log jab aisa karega tab, nahi samjha, ye do bachchi log hai, ye do bachchi log bhi tuition padhati hai, pura mat manna beta, samjhane ke liye bol rahe hain, bhagwan kare aap log mere se bhi zyada tarakki kar lo, but maan lo say for example ye dono bachchi mein aapas mein competition tha, तो बच्ची बोली हम पूरा नॉर्थ वाला पार्ट संभालते हैं, तुम साउथ वाला पार्ट संभाल, हम नॉर्थ में किसी के घर जाकर के नहीं पढ़ाएंगे, ये बच्ची बोली ठीक है हम साउथ में नहीं जाएंगे, नॉर्थ साउथ डिवाइड कर लिया,
क्या सीसीआई आ जाएगा दोनों को पेनल्टी फाइन लगाने? इससे कोई इंपैक्ट पड़ने वाला? तो जब तक इंपैक्ट नहीं पड़ता कंपटीशन के ऊपर, खुला सांड की तरह जो करना है करो। बंदा आ गया, ये क्या होता बताओ? लेकिन अगर कोई खुद से मेहनत करके ऑल ओवर इंडिया का 80-90% मार्केट शेयर हासिल कर ले तो इसमें कुछ गलत नहीं है। प्राइस फिक्सेशन। अब प्राइस फिक्सेशन में क्या होता है? वही सेलर लोग बोलता है देखो मार्केट शेयर डिवाइड नहीं करेंगे, प्राइस डिवाइड नहीं, मिल करके फिक्स करेंगे। वादा करते हैं अपने दोनों एक दूसरे से, लाख रुपया के नीचे माल नहीं बेचेंगे। नहीं समझाया? नहीं तो अपने दोनों जबरदस्ती झगड़ा कर रहे हैं, 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 तो दाम गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है। अपने दोनों मिलकर प्राइस फिक्स कर लेते हैं लाख रुपया। नहीं समझाया? अब जो झगड़ा करना करो, प्राइस पे झगड़ा मत करो। ये कलेक्टिव मोनोपोली तो हो गया, कलेक्टिव मोनोपोली। आप मोनोपोली क्या करते हैं? अनाप शनाप दाम चार्ज कर लेता है, कलेक्टिव मोनोपोली हो गया रे बाबा। तो ये प्राइस फिक्सेशन भी एंटी कॉम्पिटिटिव माना जाएगा अगर अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन द कंपटीशन इन इंडिया हो जाए। दो जाइजेंटिक मैन्युफैक्चरर है, मान लो दो ह्यूज मैन्युफैक्चरर, उन्हीं लोग कंट्री में माल सप्लाई करते हैं। दोनों मैन्युफैक्चरर लोग एक दूसरे से बात किए, क्या कैसे याद किया? काम है एक तो सुन, अपने दोनों मेन मैन्युफैक्चरर है, दाम को बढ़ाते हैं, प्राइस बढ़ाते हैं। जो मैन्युफैक्चरर अपने कर रखे है ना, बेच मत, स्टॉक होल्डिंग करते हैं। अगला 10 दिन तक हम भी नहीं बेचेंगे, अगला 10 दिन तक तुम भी मत बेच। फिर देख 10 दिन बाद प्राइस आसमान पहुंच जाता है, फिर जो आसमान पे पहुंचा वो प्राइस अब बेचते हैं। कैसा लगा आइडिया? बोला मंजूर। इस पे कंज्यूमर लोग का एक्सप्लॉयटेशन हो जा रहा है, कंपटीशन नहीं होगा। ये सब क्या होता है? लिमिटेशन ऑफ प्रोडक्शन सप्लाई, कि अपने सप्लाई लिमिट कर दिए, स्टॉक होल्डिंग कर दिए, ताकि आर्टिफिशियल डिमांड बढ़े और मार्केट प्राइस बढ़े। तो ये सब अलाउड नहीं है। सीसीआई ये सब चीज तो इन्वेस्टिगेट करता है भाई। अचानक से कोई कॉमोडिटी का दाम, तो सबसे पहले जो मैन्युफैक्चरर लोग है ना, सीसीआई उन लोग के रेड करता है कि क्या हुआ, माल तो भरा हुआ तुम्हारे गोडाउन में, बेच क्यों नहीं रहे? तो पक्का क्या हुआ होगा? ये पक्का तो क्या मान लिया जाएगा? एंटी कॉम्पिटिटिव, और फाइन लगा दिया जाएगा। मक्खन तो हॉरिजॉन्टल मतलब समझा रहे, दोनों सेम लेवल पर ऑपरेट कर रहे हैं, तो उन लोग क्या कर सकते बताओ? मिलकर के प्राइस फिक्स करते हैं। सुनाया? मिलकर के प्राइस फिक्स करना, प्रोडक्शन सप्लाई को क्या कर देना? लिमिट कर देना, डिवाइड कर लेना। जो गुंडा लोग होते हैं ना, गुंडा लोग, हिंदी पिक्चर में देखा होगा, नहीं बहुत सारे हिंदी पिक्चर में दिखाया है, गुंडा लोग ऐसे करता है। नॉर्थ इस इलाका में हम नहीं आएंगे, ये इलाका उनका, वो इलाका तेरा, तो ये यहां नहीं हो सकता, वो गुंडागर्दी में करो। बिड रिगिंग में तो भाई इन लोग सरकार को ऐसा चूना लगाता है कि सरकार बहुत बार बिड कैंसिल कर देता है बिड रिगिंग के कारण। हुआ हुआ ऐसा टेलीकॉम में हुआ था, स्पेक्ट्रम एलोकेशन में क्या होता है सुनो, बिड रिगिंग में क्या हो रहा है, मान लो गवर्नमेंट कुछ बेच रहा है, हम लोग कंपिटिटर लोग हैं, उस लाइसेंस को पाने के लिए हम भी ऊंचा बोली, तुम भी ऊंचा बोली, बोली बोली बोली, रुपया गया। नहीं समझ आया? हम लोग दोनों वो स्पेक्ट्रम जीतने के लिए क्या करेंगे? बोली लगाएंगे। हम जो बोली लगा रहे, तुम उसके ऊपर, हम उसके ऊपर, तुम उसके ऊपर, हम उसके ऊपर, बाप रे आसमान तक पहुंच गया रे बिड। अपने ना बिड के पहले ना, बिड के एक दिन पहले ना अपने मिल लेते हैं, मिल करके अपने बात कर लेते हैं। भाड़ में गया सरकार का बिडिंग, अपने पहले डिसाइड कर लेते हैं अपने को कितना खरीदना है। चल ठीक है, हम जो है 6 लाइसेंस ले लेंगे, तेरे को कितना लाइसेंस चाहिए बोल, तेरे को कितना चाहिए बोलना, तेरे औकात के हिसाब से बोल, 4। ठीक है, तो एक काम करते हैं, 6 मेरा 4 तेरा, तो जब 6 और 4 ना, चल 6 और 3 कर लेते ना, 6 और 3, ठीक है। तो क्या होगा, पहले हम जब 2 लाइसेंस लेंगे तब तुम बोली मत लगाना। सरकार जो बेस प्राइस रखेगा, बेस प्राइस, वो दो जो लाइसेंस हम बेस प्राइस पे ले लेंगे,
फिर जब तीसरा लाइसेंस का बोली लगेगा, खाली तुम बेस पे इस पर बोली लगाना, हम चुप रह जाएंगे। तीसरा तेरा नहीं सुन रहा। इस प्रकार अपने पहले से ही अगर सेटलमेंट कर ले, छह लाइसेंस अपन का, तीन तेरा, या चल तीन मेरा छह तेरा, जो भी, तो बोली लगेगा ही नहीं, तो बिट बढ़ेगा कहां से, दाम बढ़ेगा कहां से, बेस प्राइस पर अपने लाइसेंस हासिल कर लेंगे। और उल्टा अगर बोली अपने लगाते, दस दस गुना प्राइस ज्यादा देकर के आते। सुनाया, स्पेक्ट्रम ऑप्शन इस कारण कैंसिल भी हुआ हुआ है, इस कारण कैंसिल हुआ और फिर से बिड्स वर इनवाइटेड। कि क्या बात है, इन लोग 10 लोग आकर के आज बोली क्यों नहीं लगा रहा है। सुनाया बोलो। अब क्वेश्चन आता है कि सीसीआई साबित कैसे करेगा कि हम लोग में ऐसा एग्रीमेंट मान लिया जाएगा हुआ एग्रीमेंट, क्योंकि एग्रीमेंट का डेफिनेशन पता है क्या दिया गया, माइंड ब्लोइंग। बोला एग्रीमेंट क्या है पता है, एग्रीमेंट इंक्लूड्स, पहला वर्ड मतलब इसको टाना जा सकता है, एग्रीमेंट इंक्लूड्स एनी एग्रीमेंट, एनी अंडरस्टैंडिंग। इशारों ही इशारों में एग्रीमेंट हो गया। जैसे हम लोग अगर ऐसे भी कर रहे होंगे ना बोली में, ये भी एग्रीमेंट मान लिया जाएगा। ओवरऑल और राइटिंग छोड़, अंडरस्टैंडिंग, बोली लग रहा है भाई, बोली लग रहा है मान लो। एग्रीमेंट इंक्लूड्स एनी एग्रीमेंट, एनी अंडरस्टैंडिंग, एक्शन इन कॉन्सर्ट। बोलो, एक्शन इन कॉन्सर्ट मतलब मिल करके, हम साथ साथ हैं, हमारा एक्शन जो है ना, देख करके लेकिन हम साथ साथ हैं, कंप्यूटर लोग साथ साथ आ गए हैं, तो ये भी एग्रीमेंट माना जाएगा। तो एग्रीमेंट इंक्लूड्स एनी, एग्रीमेंट इंक्लूड्स एनी अग्रीमेंट, अंडरस्टैंडिंग और एक्शन इन कॉन्सर्ट, वेदर और नॉट दे आर इन राइटिंग, वेदर और नॉट दे आर फॉर्मल, वेदर और नॉट दे आर इंटेंडेड टू बी लीगली इनफोर्सिएबल। भले ही राइटिंग में ना हो, भले ही फॉर्मल ना, भले ही इंटेंडेड टू लीगली इनफोर्सिएबल ना हो, फिर भी एग्रीमेंट माना जाएगा। मतलब राइटिंग होना जरूरी, फॉर्मल होना जरूरी, इंटेंडेड टू बी लीगली इनफोर्सिएबल होना जरूरी। सोचो एग्रीमेंट में सभी कुछ आ गया, फिर तो नैन मटक का भी आ गया, जो नैनो से हो रहा है वो भी एग्रीमेंट है। मतलब कुछ तो तुम लोग दोनों में खिचड़ी पका है। दिखाओ ए सीसीआई राइटिंग, दिखा कोई कागजी से, बोले कागजी से सब होना जरूरी नहीं एग्रीमेंट में। नहीं, हम लोग देखो ऐसे ही एक बार फोन में बात किए थे, इट वॉज वेरी इनफॉर्मल, माना जाएगा, फॉर्मल होना जरूरी नहीं। लेकिन हम लोग का कभी भी ऐसा मकसद नहीं था कि अगर तुम पलटा ना हम तुमका केस कर देंगे। हम लोग दोनों आपस में बात किए थे ऐसे ही, मतलब बहुत कैजुअल टॉक था, इट वॉज अ वेरी कैजुअल टॉक। हम लोग मिलकर के प्राइस फिक्स कोई पेपर पे तो किए नहीं, हम लोग प्राइस फिक्स कोई पेपर पे तो किए नहीं, ऐसे फोन पे कैजुअली कैजुअल टॉक में बात हुआ था, हम इतना सोच रहे हैं, तुम इतना सोच रहे हो, ओके। लेकिन हम लोग में कभी ऐसा इंटेंशन नहीं था कि अगर तुम ये फीस नहीं रखा तो हम तेरे ऊपर केस कर देंगे, हम ये फीस नहीं रखे तो तुम मेरे ऊपर केस कर देंगे, हम लोग में कभी ऐसा इंटेंशन। तो ये फॉर्मल भी नहीं था, राइटिंग में नहीं था, इंटेंडेड टू बी लीगली इनफोर्सिबल भी नहीं था, दैट इफ आई ब्रीच माय प्रॉमिस टू अदर पार्टिकल्स, इट वाज नेवर इंटेंडेड दैट मैनर, स्टिल इट इज एन एग्रीमेंट, स्टिल इट इज एन एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट इंक्लूड्स एनी एग्रीमेंट, अंडरस्टैंडिंग इन एक्शन इन कंसर्ट, एग्रीमेंट इंक्लूड्स एनी एग्रीमेंट, अंडरस्टैंडिंग और एक्शन इन कंसर्ट, वेदर और नॉट दे आर इन राइटिंग, फॉर्मल, वेदर और नॉट इट इज इन राइटिंग, फॉर्मल और इंटेंडेड टू बी लीगली इनफोर्सिबल। सुनाया, तो अगर हम लोग दोनों चुप है, बिड हो रहा है, सरकार बोल रहा है अरे बोली लगा, तुम चुप क्यों है, वो जो बेस प्राइस है वो डेस्क खाली 1 रुपया ज्यादा बोला है, तुम बोली लगा, फिर अगला बार जब बोली आ रहा है हम 1 रुपया ज्यादा लगा रहे हैं, इस बार तुम चुप है, तो क्या मान लिया जाएगा
कि एग्रीमेंट हुआ इन लोग के बीच में, क्योंकि हम लोग का एक्शन इन कॉन्सर्ट है, क्या मान ली रहेगा एग्रीमेंट हुआ है। अब अगर इस एग्रीमेंट से अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन इन इंडिया तो क्या हो जाएगा, एंटी कॉम्पिटेटिव एग्रीमेंट, सीसीआई क्या कर देगा, बैन। पढ़ना आ गया सर, मक्खन श्योर हॉरिजॉन्टल में देखो क्या था, प्राइस फिक्सेशन, लिमिटेशन ऑफ प्रोडक्शन सप्लाई, एलोकेशन मार्केट शेयर बिडिंग। अब आ रहा है वर्टिकल, वर्टिकल में क्या होता है, वर्टिकल एग्रीमेंट में द प्लेयर्स आर ऑपरेटिंग एट डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन सप्लाई चेन, द प्लेयर्स आर ऑपरेटिंग एट डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन सप्लाई चेन, अलग अलग लेवल पर है। मैन्युफैक्चरर बोलता है एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ कंज्यूमर के साथ डील नहीं करेगा, मैन्युफैक्चरर इज रिफ्यूजिंग टू डील विद अ पर्टिकुलर, ये नहीं माना जा सकता, एंटी कॉम्पिटिटिव माना जाएगा अगर इससे अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट हो रहा है। मान लो एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर है, बहुत बड़ा रॉ मटेरियल्स का, रॉ मटेरियल खाली हम ही बनाते हैं, तो हम रॉ मटेरियल बना करके फिनिश गुड मैन्युफैक्चरर को देंगे, अरे बाबा आई एम अ रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरर, माय रॉ मटेरियल्स विल बी यूज्ड बाय द अदर पर्सन टू मेक फिनिश गुड। कार का हम कंपोनेंट बनाते हैं और कंपोनेंट इतना जरूरी है, उसके बिना कोई अपना गाड़ी सुनाया, अरे होंडा तुमको ये कंपोनेंट नहीं देंगे, ऐसे ही नहीं देंगे, तो क्या इससे होंडा आउट ऑफ कंपटीशन हो जाएगा, तो फिर होंडा कहां चला जाएगा, और सीसीआई फिर मेरे को बोलेगा तुमको इसको कंपोनेंट सप्लाई करना पड़ेगा, रिफ्यूजल टू डील नहीं चल सकता। आई एम अ ऑटोमोबाइल एंसिलियरी मैन्युफैक्चरर, एंसिलियरी समझा करे, कार नहीं बनाते हैं, पार्ट्स बनाते हैं, लेकिन उसका पार्ट हम होंडा को देंगे और बोलते हैं हम होंडा को नहीं देंगे, होंडा चला जाएगा सीसीआई। ये क्या हो गया वर्टिकल, क्या मेरा और होंडा का आकात एक था, अलग अलग लेवल पर ऑपरेट कर रहे थे, नहीं समझ में आया, रिफ्यूजल टू डील। रीसेल प्राइस मेंटेनेंस में मैन्युफैक्चरर जो है वो ट्रेडर को बोल रहा है किस दाम पर माल बेचना है, रीसेल प्राइस मेंटेनेंस, कि तुमको इतना दाम पर ही माल बेचना पड़ेगा, नहीं समझा, हाउ कैन आई फिक्स द रीसेल प्राइस ऑफ द ट्रेडर, अरे मैन्युफैक्चरर का काम है मैन्युफैक्चर करके माल किसको दे देना, ट्रेडर को, अब वो रिटेलर किस दाम पर माल बेचेगा वो रिटेलर को डिसाइड करने दो आप, नहीं समझा, समझे ना सर, आप उसको ये नहीं बोल सकते तुम इससे ऊपर में माल मत बेचो, अच्छा तो वो कमाएगा क्या, हम लोग को तो ट्रेडर का इंटरेस्ट भी बचाना है, ए ऑब्जेक्टिव क्या था, टू प्रोटेक्ट ट्रेडर्स इंटरेस्ट, तो फिर पक्का, तो आई कैनॉट फोर्स द रिटेलर टू सेल एट अ प्राइस एट विच आई वॉन्ट, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन में यही हो गया, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन में कि हम जो डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट किए हम उसको बोले देख तुम खाली मेरा ही माल डिस्ट्रीब्यूट करेगा और किसी का माल डिस्ट्रीब्यूट, मेरा कंप्यूटर का माल डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, तो ऐसा नहीं बोल रहे, जैसे मेरा प्रिंटर है, मेरा प्रिंटर सबसे ज्यादा मेरे से ही कमाता है, इतना मेट और कहीं नहीं है, तो जो मेरा प्रिंटर है एग्जीक्यूटिव का लगभग कितना मेट हो गया बेटा आपका, 17, फाइनल का 19, तो 17-19 मैट, नहीं समझ आया, फिर फाउंडेशन है, फिर सीए इंटर है, फिर फाइनल है, सीएम इंटर है, मतलब साल भर में उसको आराम से 1 CR का कॉन्ट्रैक्ट मेरे से मिलता है खाली मैट, तो अब हम उसके ऊपर ही कंडीशन लगा दें और किसी का काम नहीं करेगा, लगा भी देंगे तो वो बेचारा फॉलो करेगा कि नहीं करेगा, बट हम नहीं लगाएंगे, एंटी कॉम्पिटेटिव हो जाएगा, नहीं समझा, तो ये क्या हो गया एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन, कि हम अपना डिस्ट्रीब्यूटर को बोल रहे हैं चलो ये तो हम एक्सक्लूसिव सप्लाई वाला एग्जांपल देते हैं ना प्रिंटर वाला, कि खाली मेरे को सप्लाई कर, ए हमारा प्रिंटर खाली हमको सप्लाई करेगा और कोई को सप्लाई नहीं, तो हम तेरे से सप्लाई नहीं लेंगे, और डिस्ट्रीब्यूशन में ठीक उल्टा, डिस्ट्रीब्यूशन में ठीक उल्टा, हम अपने फ्रेंचाइजीज को बोल रहे हैं खाली मेरा माल डिस्ट्रीब्यूट कर और किसी का डिस्ट्रीब्यूट, समझ आ गया सर, एक्सक्लूसिव सप्लाई में हम अपना सप्लायर को बोल रहे हैं खाली मेरे को सप्लाई कर, डिस्ट्रीब्यूशन में हम खाली अपना डिस्ट्रीब्यूटर को बोल रहे हैं मेरा माल डिस्ट्रीब्यूट कर, तो इससे तो फिर कंपटीशन ही खत्म हो जाएगा बाजार में, ये अलाउड, मक्खन बेटा।
मार्क करो। स्टाफ पीपल, आइए दोस्तों जितना अभी तक पढ़े हैं पहले उतना माफ करते हैं। पेज नंबर 100, पेज 100, वन ऑफ द केबल्स ऑफ द मार्किंग इज नॉट वर्किंग। तो हम लोग जब मार्किंग करेंगे हम वर्बली करवाएंगे मार्किंग, ठीक है, जब केबल आ जाएगा तो उसमें मार्क करेंगे। पेज 100 आ गए हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिखाया जा रहा है पेज 100 में, व्हाट इज कंपटीशन इन द, हाईलाइट करना चालू करना जो हम बोलेंगे। कंपटीशन इन द मार्केट मींस सेलर्स स्ट्राइविंग इंडिपेंडेंटली फॉर बायर्स पेट्रोनेज। फॉर बायर्स पेट्रोनेज के माथे पे क्या लिख दोगे, सपोर्ट। थोड़ा फास्ट, पेट्रोनेज के माथे पे क्या लिखा, सपोर्ट। क्यों चाहिए बायर का सपोर्ट, टू मैक्सिमाइज अ प्रॉफिट और अदर बिजनेस ऑब्जेक्टिव। खाली प्रॉफिट नहीं होता, अदर बिजनेस ऑब्जेक्टिव भी होता है। अदर बिजनेस ऑब्जेक्टिव समझाया, टर्नओवर बढ़ाना, मार्केट शेयर बढ़ाना, क्वालिटी अच्छा देना। बढ़ो, ये डेफिनेशन कौन दिया था, हाईलाइट कर दो। वर्ल्ड बैंक 1999, वर्ल्ड बैंक 1999, नहीं दिखाई दिया, दो लाइन के बाद है। बढ़ो, कंपटीशन एंड इकोनॉमिक एफिशिएंसी दिखाई दे रहा है क्या, लिखो। देर इज अ डायरेक्ट प्रपोर्शन, देर इज अ डायरेक्ट प्रपोर्शन, देर इज अ डायरेक्ट प्रपोर्शन बिटवीन कंपटीशन एंड इकोनॉमिक एफिशिएंसी। देर इज अ डायरेक्ट प्रपोर्शन बिटवीन कंपटीशन एंड इकोनॉमिक एफिशिएंसी। जितना ज्यादा कंपटीशन होगा उतना इकोनॉमिक एफिशिएंसी बढ़ेगा। हाईलाइट करो पॉजिटिव, फर्स्ट लाइन में पॉजिटिव रिलेशनशिप, पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन कंपटीशन एंड इनोवेशन, प्रोडक्टिविटी, इकोनॉमिक ग्रोथ। कंपटीशन होगा तो इनोवेशन बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा। ये दो इकोनॉमिस्ट लोग का नाम भी लिखना, पी एग्योन एंड पी हॉबिट, पी एग्योन एंड पी हॉबिट इन एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी। इन लोग पी एग्योन एंड पी हॉबिट ने एक थ्योरी निकाला था, एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी ऑफर्ड सेवरल थियोरिटिकल सिचुएशन, जहां पर ना कंपटीशन जो होता है ना इज कंजूसिव, कंजूसिव समझ में आता है, फेवरेबल टू इनोवेशन। इंटेंसिफाइड प्रोडक्ट मार्केट कंपटीशन कुड फोर्स मैनेजर्स टू स्पीड अप द अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। जहां कंपटीशन ज्यादा रहेगा लोग नया नया क्या खोजेंगे, टेक्नोलॉजी। पक्का, फिर जो कंपटीशन लॉ एंड क्या, कंपटीशन लॉ एंड पॉलिसी के ब्रैकेट में लिख दो, कॉपी नोट्स, कंपटीशन लॉ एंड पॉलिसी के ब्रैकेट में लिख देना, कॉपी नोट्स। हम डिफरेंस वगैरह जो है ना कॉपी में लिखवा देंगे, अभी रुक जाओ पहले आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कंपटीशन लॉ का इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट दिख रहा है क्या, मेन मैट इंस्टीट्यूट मैट लिखो, इंस्टीट्यूट मैट। कंपटीशन लॉ इवोल्यूशन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट का मैट से पढ़ेंगे, ये टॉपिक इंस्टीट्यूट का मैट से पढ़ाएंगे। फिर आ जाओ कुछ कुछ डेफिनेशन के अंदर। सबसे पहले डेफिनेशन क्या दिखाई दे रहा है, एक्विजिशन। एक सेकंड, ऊपर से एक बार वापस से चालू करो, क्या क्या पढ़े हो, कंपटीशन का डेफिनेशन पढ़े, कंपटीशन इकोनॉमिक एफिशिएंसी का रिलेशन पढ़े, लॉ एंड पॉलिसी का तो हम नोट्स लिखवा देंगे, फिर इंस्टीट्यूट का मैट, और फिर डेफिनेशन चालू हो रहा है। सबसे पहले डेफिनेशन, एक्विजिशन मींस, एक्विजिशन अक्वायरिंग, एक्विजिशन मींस अक्वायरिंग, या तो शेयर एंड वोटिंग राइट ऑफ द एंटरप्राइज। एक्विजिशन में हम क्या अक्वायर कर रहे हैं, या तो शेयर या वोटिंग राइट, या फिर कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट ऑफ द एंटरप्राइज, या कंट्रोल ओवर एसेट ऑफ द एंटरप्राइज। या तो हम शेयर वोटिंग राइट पा रहे हैं, या कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट, कंट्रोल ओवर एसेट। मत करो, एक्विजिशन मींस अक्वायरिंग, तीन चीज, हाँ, शेयर्स और वोटिंग राइट ऑफ एन एंटरप्राइज, और कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज, और कंट्रोल ओवर एसेट ऑफ एन एंटरप्राइज। याद हो गया होगा, शेयर वोटिंग राइट, कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट, कंट्रोल ओवर एसेट। एग्रीमेंट दिख रहा है क्या, यही तो एग्रीमेंट इंक्लूड्स, एग्रीमेंट इंक्लूड्स एनी एग्रीमेंट और अंडरस्टैंडिंग और एक्शन इन कॉन्सर्ट। कॉन्ट्रैक्ट को काट करके कॉन्सर्ट करो, CONCERT, एग्रीमेंट इंक्लूड्स बोल रहे हैं, एनी एग्रीमेंट
और अंडरस्टैंडिंग और एक्शन इन कॉन्सर्ट. वेदर और नॉट सच एग्रीमेंट और अंडरस्टैंडिंग और एक्शन, वेदर और नॉट सच एग्रीमेंट और अंडरस्टैंडिंग और एक्शन इज क्या बताऊ ना, फॉर्मल और इन राइटिंग और इज इंटेंडेड टू बी लीगली इनफोर्सिबल. मक्खन एकदम, ये डेफिनेशन क्या चीज का था? कार्टेल इंक्लूड्स में हो. कार्टेल क्या होता है? कार्टेल होता है बड़ा बड़ा एसोसिएशन, बड़ा बड़ा मैन्युफैक्चरर लोग, सेलर, सर्विस प्रोवाइडर, ट्रेडर, डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर, सेलर, ट्रेडर, डिस्ट्रीब्यूटर, सर्विस प्रोवाइडर, आपस में अपना ना ग्रुप बना लेता है और ग्रुप बना करके वही सब करता है. मतलब एंटी कॉम्पिटेटिव काम करता है. समझाया? तो कार्टेल इंक्लूड्स एनी ग्रुप और एसोसिएशन. कार्टेल इंक्लूड्स एनी ग्रुप और एसोसिएशन ऑफ मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर. कार्टेल इंक्लूड्स ग्रुप और एसोसिएशन ऑफ, कार्टेल इंक्लूड्स ग्रुप और एसोसिएशन ऑफ मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, सेलर, सर्विस प्रोवाइडर, डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, सेलर, सप्लायर, सर्विस प्रोवाइडर. Who among themselves by an agreement, control the price, production or supply or attempt. या तो control करता है या कोशिश जरूर करता है. तो उसको क्या बोलता है? Cartel. पढ़ो. Cartel includes an association of producer, seller, distributor, trader, service provider who by agreement among themselves. अच्छा agreement oral होगा कि writing? कुछ भी. Agreement समझ में आ गया ना? बाई अग्रीमेंट अमंग themselves, लिमिट कंट्रोल या फिर अटेम्प्ट टू, या तो लिमिट कंट्रोल करते या फिर अटेम्प्ट टू कंट्रोल. क्या बताओ ना भाई? प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल और प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज. डेफिनेशन समझ आ गया मेरे बच्चों को? खुशी के दिन आए रे भैया. जिन लोग का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1996 किया हुआ है, और किया हुआ होना ही चाहिए रे बाबा, पढ़ाया हुआ है. हाँ हाँ पता है, किया हुआ है. पूरा डेफिनेशन वट टू वर्ड सेम है, खाली एक फर्क है. यहां पर रीसेल कमर्शियल भी आएगा. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में रीसेल कमर्शियल पर्पज नहीं आता था, यहां यह भी आएगा. चलो जाओ. कंज्यूमर मीन्स एनी पर्सन हु बाइज द गुड्स. कंज्यूमर मीन्स एनी पर्सन हु बाइज द गुड्स फॉर कंसिडरेशन पेड प्रॉमिस, पार्टली पेड पार्टली प्रॉमिस, और अंडर एनी सिस्टम ऑफ डेफर्ड पेमेंट. And includes user of such good other than the person who buys the goods for consideration paid promise, partly paid, partly promise, or any system of deferred payment if the use is made with the approval of such person. And includes, but does not include, and include even resale and commercial. Pakka? Resale, commercial, personal, sab aayega. Aur fir service ke liye kya ho jayega? Hire avail. Padho. Consumer. Means any? अरे कंज्यूमर मीन्स एनी पर्सन हो बाइज एन गुड्स फॉर, क्या बताओ ना, कंसिडरेशन. बाइज एन गुड्स फॉर कंसिडरेशन विच हैज बीन पेड प्रोमिस, पार्टली पेड पार्टली प्रोमिस, अंडर द सिस्टम ऑफ डेफर्ड पेमेंट एंड इंक्लूड्स एनी यूजर ऑफ सच. सर समझाइए ना, समझा चुके हैं. कंज्यूमर प्रोटेक्शन 1996 जाकर के पढ़. इंक्लूड्स एनी यूजर ऑफ सच गुड्स अदर देन द पर्सन हु बाइज सच गुड्स फॉर कंसिडरेशन पेड प्रोमिस, पार्टली पेड पार्टली प्रोमिस, डेफर्ड पेमेंट. When such use is made to the approval of such person, that such purpose is good for resale or for commercial or personal purpose. मतलब यहाँ रीसेल भी है, कमर्शियल भी है, पर्सनल भी. और फिर क्या आ जाएगा? सर्विस वाला, हायर और अवेल, ब्रैकेट लगा दे पूरा. और जहां हेडिंग है ना कंज्यूमर, उसमें यहां पर एक लाइन लिखो कंज्यूमर के नीचे, एग्जैक्टली सेम एज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1996. Exactly same as Consumer Protection Act 1986. Exactly same as Consumer Protection Act 1986. Exactly same as Consumer Protection Act 1986. But in Competition Act 2002, personal use. But in Competition Act 2002, personal use, comma, resale, comma, commercial, personal use, comma, resale, comma, commercial, all
पर्सनल यूज, कमर्शियल कॉमा कमर्शियल, ऑल आर इंक्लूडेड, पर्सनल रीसेल कमर्शियल ऑल आर इंक्लूडेड, कमर्शियल में तो तीनों इंक्लूड है ना, ऑल आर इंक्लूडेड, बट इन सीपीए 1986 ओनली पर्सनल यूज वाज़ एनली टू, बट इन सीपीए 1986, बट इन सीपीए, व्हाट इज सीपीए, बट इन सीपीए 1986 ओनली पर्सनल यूज वाज़ देयर, बट इन सीपीए 1986 ओनली पर्सनल यूज वाज़ देयर, इन सीपीए 1986 ओनली पर्सनल यूज वाज़ देयर, यहां तक क्लियर है? एंटरप्राइज का डेफिनेशन लिख दो, इंस्टीमैट, इंस्टीमैट, प्यार से बोल रहे हैं, इंस्टीमैट लिख दिया, गुड्स वही है रे सोगा वाला, देखो गुड्स वही है एज डिफाइंड इन, क्या बताओ, सोगा 1900 और इसके अंदर तीन चीज और आएगा, जो प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो या प्रोसेस या माइनिंग कर रहे हो, गुड्स का डेफिनेशन है वही जो सोगा में दिया हुआ है, एंड ऑल्सो इंक्लूड गुड्स मैन्युफैक्चर्ड प्रोसेस्ड और माइंड, डिबेंचर, डिबेंचर स्टॉक शेयर आफ्टर अलॉटमेंट एंड गुड्स इंपोर्टेड इन टू इंडिया, गुड्स का डेफिनेशन जो सोगा वाला है वो प्लस प्लस गुड्स मैन्युफैक्चर प्रोसेस माइंड प्लस स्टॉक शेयर डिबेंचर प्लस गुड्स इंपोर्टेड इन टू इंडिया, क्लियर है क्या? अब ये देखो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया आ रहा है, दिखाई दिया, कंपटीशन कमीशन ऑफ, मार्क करो, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में मार्क करो, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सीसी, व्हाट इज सीसी, सिटी सेंटर, कंपटीशन कमीशन बाय इशूइंग नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट, जो जो मेरे मुंह से निकल रहा है तुम्हारे हाईलाइट से निकल रहा होगा, बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट, पॉइंट नंबर टू, ऑफिसेस ऑफ कमीशन, हेड ऑफिस डिसाइडेड बाय सीडी, हेड ऑफिस डिसाइडेड बाय, बता सकता है कोई कहां है? सही जवाब न्यू दिल्ली में, अदर ऑफिसेज इन इंडिया मे बी एस्टैब्लिश बाय कमीशन, कमीशन का एचओ कौन डिसाइड करता है? पीजी, अदर ऑफिसेज, सीसीआई खुद, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कमीशन, ड्यूड इट्स अ बॉडी कॉर्पोरेट, समझ में आ गया सर, आगे मैं बोलिएगा, इट्स अ बॉडी कॉर्पोरेट, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सी, सेपरेट एंटिटी, पावर टू अक्वायर होल्ड डिस्पोज प्रॉपर्टी, मोबाइल इमोबाइल टैंजिबल इंटैंजिबल, पावर टू सेव एंड बी सेव्ड बाय द सेड नेम, अरे हजार बार पढ़ चुके हैं, बट वापस से कमीशन, बॉडी कॉर्पोरेट हैविंग परपेचुअल सक्सेशन कॉमन सील पावर टू कॉन्ट्रैक्ट सू इन इट्स ओन नेम अक्वायर होल्ड डिस्पोज प्रॉपर्टी, मक्खन, वैकेंसी एक्सेट्रा नॉट टू इनवैलिडेट, समझ जाओ, वैकेंसी से कोई कमीशन का जजमेंट इनवैलिड होने वाला बताए थे ना रे, वैकेंसी एक्सेट्रा नॉट टू इनवैलिडेट द प्रोसीडिंग्स ऑफ कमीशन, पढ़ो, No act or proceeding of commission shall be invalid merely, merely मतलब just because, हिंदी में बोलते हैं सिर्फ, सिर्फ इसलिए, बंगाली में शुद्ध, just because कि हमारा commission में proper दो जन नहीं था तो इसका ये मतलब नहीं है कि proceeding invalid हो जाएगा जब तक case का merits affect ना हो, merely by reason of any vacancy in the commission or defect in the constitution, वैकेंसी इन द कमीशन या फिर क्या बताओ, कुछ डिफेक्ट था इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमीशन या डिफेक्ट इन क्या बताओ ना, अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरपर्सन ऑफ मेंबर और एनी इरेगुलरिटी इन द प्रोसीजर ऑफ कमीशन नॉट अफेक्टिंग द मेरिट्स ऑफ द केस, कुछ भी हो जाए अगर तुम्हारा केस का मेरिट्स अफेक्ट तब तक उसका जजमेंट प्रोसीडिंग वैलिड रहेगा, कॉम्पोजिशन ऑफ कमीशन में हो चेयरपर्सन एंड मेंबर्स, बताएंगे कितने चेयरपर्सन है, वन चेयरपर्सन, मिनिमम टू मेंबर, मैक्सिमम सिक्स मेंबर, पक्का, चेयरमैन अचानक से सेलेक्ट किया तो जो सीनियर मोस्ट मेंबर है वो बन जाएगा चेयरमैन, वैकेंसी में हो, सीनियर मोस्ट मेंबर शुड एक्ट एज अ चेयरमैन अंटिल द न्यू चेयरपर्सन एज्यूम्स द ऑफिस, बस वहीं तक, कॉमन प्रोविजंस एप्लीकेबल टू चेयरपर्सन एंड मेंबर, ये जो हम एज बताए थे 65 साल एंड योर 5 साल डिपेंडेंट पॉसिबल, किसके बताए थे, चेयरमैन के लिए कि मेंबर के लिए, सबके लिए, तुम लोग को लग रहा है कि तुम लोग लकी हो, सब पढ़ाना हो चुका है, अब वापस से जब पढ़ रहे हैं तो रिवीजन जैसा माहौल है, मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट में आओ, कौन अपॉइंट करेगा, हाँ सिलेक्शन कमिटी बोल करके था, रेकमेंड अपॉइंटमेंट बाय सीजी फ्रॉम पैनल ऑफ नेम रेकमेंडेड बाय सिलेक्शन कमिटी,
अब ये सिलेक्शन कमेटी के अंदर देखो कौन आएगा, सिलेक्शन कमेटी शैल कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर नॉमिनी एज अ चेयरमैन ऑफ सिलेक्शन कमेटी, पक्का। फिर सेक्रेटरी कहां का, एमसीए। फिर सेक्रेटरी कहां का, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, सेक्रेटरी ऑफ एमसीए, सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। फिर टू क्या रहेगा, एक्सपर्ट, टू एक्सपर्ट ऑफ रेप्यूट, इज्जतदार लोग, टू एक्सपर्ट ऑफ रेप्यूट हुआ स्पेशल नॉलेज इंटरनेशनल ट्रेड का, इकोनॉमिक्स का, बिजनेस कॉमर्स, लॉ, फाइनेंस, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, बस काफी है। कंपटीशन मैटर्स, कंपटीशन मैटर्स, दिखा। फिर आ जाओ पॉइंट नंबर टू में, आओ पॉइंट नंबर टू, रेडी, पॉइंट नंबर टू में आओ। नेचर ऑफ ऑफिस बताओ, नेचर ऑफ ऑफिस माफ करते चलो, नेचर ऑफ ऑफिस होल्ड टाइम, टेन्योर बताओ, हा, फाइव इयर्स, रीअपॉइंटमेंट, मैक्सिमम एज हाईलाइट कर दो 65 इयर्स। फिलिंग ऑफ वैकेंसी दिख रहा है, फ्रेश अपॉइंटमेंट शैल बी मेड, वैकेंसी फिलअप करने के लिए फ्रेश अपॉइंटमेंट शैल बी मेड। ओथ, इन लोग से ना कसम खिलवाया जाता है कि सीक्रेसी मेंटेन करेगा, गवर्नमेंट ऑफिस है ना रे, ओथ ऑफ सीक्रेसी मेंटेन, ओथ ऑफ सीक्रेसी मेंटेन। सैलरी वगैरह डिटरमाइन बाय क्या रहता है बताओ ना, रूल्स। क्या वेरिएशन इन सैलरी एंड टर्म्स एंड कंडीशन हो सकता है, नो वेरिएशन विच इज प्री जुडिशियल, मतलब अगेंस्ट, वेरिएशन हो सकता है पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं। अच्छा, इनका भी औकात रहना चाहिए, 15 साल का एक्सपीरियंस रहना चाहिए इन लोग को, 6 पर्सन एंड मेंबर्स को, देखो क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस में, चेयरपर्सन, चेयरपर्सन एंड एवरी अदर, बिल्कुल, चेयरपर्सन एंड एवरी अदर मेंबर शैल बी अ पर्सन ऑफ एबिलिटी, इंटीग्रिटी, स्टैंडिंग, मतलब स्टैंडिंग मतलब बाजार में इज्जत हो, स्पेशल नॉलेज, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, कम से कम 15 साल का। कहां पर 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए बताओ तो, वही सब जो सिलेक्शन कमेटी का दो एक्सपर्ट लोग था, इंटरनेशनल ट्रेड, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, कमर्शियल लॉ, फाइनेंस, अकाउंटिंग, मैनेजमेंट, कंपटीशन मैटर। अबे जो दो एक्सपर्ट लोग था ना रे, वही सब जगह इन लोग को भी ज्ञान होना चाहिए। ये सब लर्न कर रहे हो, पूरा रिविजन है, फिर घर में जाकर के और एक बार रिवाइज कर लोगे सोने पे, फिर हम नेक्स्ट क्लास आकर के, नेक्स्ट सेटिंग में आओ। ये देखो या रेजिग्नेशन, नेक्स्ट सेटिंग दिखा, रेजिग्नेशन, रिमूवल एंड सस्पेंशन। सबसे पहले राइट टू रिजाइन में हो, राइट टू रिजाइन, अरे क्या लोग रिजाइन कर सकता है? अच्छा, फिर हम बताए थे तीन चीज में विचार, थ्री मंथ्स एक्सपायरी ऑफ द टेन्योर, सक्सेसर एंटरिंग द ऑफिस, विच एवर इज अर्लियर, मत करो, गो जो मैट के अंदर आज। राइट टू रिजाइन में चेयरपर्सन और एनी अदर मेंबर बे बाई नोटिस इन राइटिंग, नोटिस इन राइटिंग अपने हाथों से लिखा हुआ, एड्रेस टू किसको, सीजी, रिजाइन इज ऑफिस। इफेक्ट ऑफ रेजिग्नेशन में हो, द चेयरपर्सन ऑफ मेंबर शैल अनलेस ही इज परमिटेड बाई सीजी टू रिलिंक्विश हिज ऑफिस सूनर, जब तक सीजी इन लोग को अलाउ नहीं करता तब तक इन लोग कब तक ऑफिस होल्ड करेगा, तीन कंडीशन, विच एवर इज अर्लियर, देखो तीन कंडीशन, रेडी, एक्सपायरी ऑफ थ्री मंथ्स को हाईलाइट करो, एक्सपायरी ऑफ थ्री मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ नोटिस, एक्सपायरी ऑफ थ्री मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ नोटिस, और अंटिल अ पर्सन ड्यूली अपॉइंटेड एज सक्सेसर, सक्सेस और नहीं, सक्सेसर बिना स्पेस के होगा, देखो सक्सेस के बाद स्पेस के बाद और है ना, कंबाइन कर दो सक्सेसर, या तो 3 महीना या पर्सन ड्यूली अपॉइंटेड एज, क्या बताओ ना, सक्सेसर, सक्सेसर एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस, या फिर अंटिल द एक्सपायरी ऑफ विच एवर इज अलियर, 1 2 3 दो उसको, 1 2 3 दो, 3 मंथ्स को पॉइंट वन दिया ना, सक्सेसर एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस को पॉइंट नंबर टू, एक्सपायरी ऑफ टर्म को 3, दे दिया 1 2 3, रिमूवल में हो, पढ़ो रिमूवल खुद से, कितना केस था रिमूवल का, 6,
रिमूवल। कितना केस बताया थे रिमूव करने का? छह। कौन रिमूव कर सकता है? हाईलाइट करो, सीजी में बाई ऑर्डर रिमूव द चेयरपर्सन और एनी द मेंबर इन द फॉलोइंग केसेस। एडजज इंसॉल्वेंट को हाईलाइट करो, पॉइंट नंबर में एडजज इंसॉल्वेंट, पॉइंट नंबर बी एंगेज्ड, एंगेज्ड एट एनी टाइम ड्यूरिंग दिस टर्म इन एनी पेड एम्प्लॉयमेंट, कोई पेड एम्प्लॉयमेंट में पार्टिसिपेट कर लिया। पॉइंट नंबर सी कन्विक्टेड ऑफ ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल सर्टिफिक्यूट, कन्विक्टेड ऑफ ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल सर्टिफिक्यूट। पॉइंट नंबर डी has acquired such financial or other interest which is likely to affect prejudicially his function as member. Financial या फिर कुछ non-financial interest आ गया और अभी ये ठीक से काम। Point number B, abuse the position. Abuse the position. Prejudicial to public interest. Abuse the position, prejudicial to public interest मतलब जनता के खिलाफ। And physically, mentally incapable. Physically, mentally incapable. तो जो दो टू point है ना, D और E, abuse the position or financial interest, Supreme Court का order चाहिएगा। पक्का बोलो ना, वहां लिख दो, वहीं पर हाथ से कहीं पर भी आसपास लिख दो, लिखा हुआ है बट सिंप्लीफाइड वे में लिखवा दे रहे। टू रिमूव ऑन द ग्राउंड ऑफ डी एंड ई, टू रिमूव ऑन द ग्राउंड ऑफ D and E, to remove on the grounds of D and E, CG shall apply to Supreme Court. CG shall apply to Supreme Court. CG shall apply to Supreme Court. CG shall apply to Supreme Court and can be removed only after Supreme Court's order. And can be removed only after Supreme Court's order. CG shall apply to Supreme Court and can be removed only after Supreme Court's order. खाली सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर के बाद ही हटाया जा सकता है। कैन बी रिमूव्ड ओनली आफ्टर सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर। बढ़ो नेक्स्ट हेडिंग में आइए, रेस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ चेयरमैन एंड अदर मेंबर। बताओ कितना साल तक रेस्ट्रिक्शन है चेयरमैन एंड अदर मेंबर और कहीं काम नहीं कर सकता सीसीआई से हटने के बाद? दो साल तक। रेस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑन होम रे चेयरपर्सन एंड एवरी मेंबर। क्या नेचर है रेस्ट्रिक्शन का? नो एम्प्लॉयमेंट इन एनी एंटरप्राइज विच हैज बीन अ पार्टी टू एनी प्रोसीडिंग बिफोर द कमीशन। अरे जिसके सीसीआई के सामने जिस पार्टी का क्या आया था केस, हम वहां पर काम, तभी तो बताए थे कि रिलायंस का अगर क्या आ रहा है केस, तो अब हम रिलायंस के यहां पर काम नहीं कर सकते। कितना साल तक? कहीं काम नहीं कर सकते कि जिसका केस मेरे सामने आया था, हम अब उसके यहां पर काम नहीं कर सकते। मेरे खारेखाल में जितने भी कंपनीज का केस आया था, मेरे खारेखाल में इन माई टेन्योर जितने भी कंपनीज का, हम वहां कहीं पर भी काम। कितना साल तक? 200। टाइम पीरियड ऑफ रिस्ट्रिक्शन 2 years फ्रॉम सेसेशन ऑफ ऑफिस। एग्जेम्प्टेड एंटरप्राइज है? हाँ है, सीजीएसजी लोकल अथॉरिटी, सेक्रेटरी अथॉरिटी, कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश्ड बाय सीजीएसजी प्रोविंशियल एक्ट गवर्नमेंट, मतलब सारा सरकारी कंपनी हो, बस वहीं तक। बाद बाकी चीज पढ़ाना बाकी है, काटना मत, जो पहले पढ़ाए आज वो मार्क करवा रहे हैं। सीधा हो जाओ पेज 105 में, पेज 105, एंटी कॉम्पिटेटिव एग्रीमेंट दिख रहा है क्या? हाईलाइट करो, प्रोहिबिशन एंटी कॉम्पिटेटिव एग्रीमेंट। नो एंटरप्राइज और एसोसिएशन ऑफ एंटरप्राइज और पर्सन और एसोसिएशन ऑफ पर्सन शैल एंटर एग्रीमेंट, चाहे वो प्रोडक्शन सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन स्टोरेज एक्विजिशन कंट्रोल का हो ऑफ गुड सर्विस विच कॉजेस और लाइकली टू कॉज एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन इन इंडिया। नेक्स्ट लाइन, एनी एग्रीमेंट एंटर्ड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सच शैल भी क्या बताओ ना, वॉइड। ऐसा अगर कोई एंटी कॉम्पिटेटिव एग्रीमेंट हो गया तो वैलिड रहेगा कि वॉइड? नेक्स्ट पेज में आइए, ये लिस्ट दिखाई दे रहा, डायग्राम दिखाई दे रहा एंटी कॉम्पिटेटिव एग्रीमेंट का, यहां से ब्रैकेट लगाओ, ये एंटी कॉम्पिटेटिव एग्रीमेंट का यहां से ब्रैकेट लगाओ। नेक्स्ट पेज का रीसेल प्राइस मेंटेनेंस का ब्रैकेट लगाओ, कब पढ़ाएंगे? ये रहा ये सारा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रंग बिरंगा डायग्राम से यहां से नाम याद करने का, अंदर में एक एक लाइन लिखा हुआ है पढ़ लेने का। हम पढ़ा देते तो अच्छा रहता, पढ़ा दिया नेक्स्ट क्लास सीधा स्टेज पर बुला करके पूछेंगे। आज का क्लास यहीं तक रहेगा, आप लोग बताए नहीं कैसा था ये, आप लोग ये नहीं बता रहे हैं कि कब पढ़ेंगे, हाँ आज ही पढ़ना होगा, 25 नंबर का सवाल है, साथ साथ कंपटीशन। आज का क्लास यहीं तक, थैंक यू, बाय बाय।